जस्ट न्यू टॉपिक इन्वेस्टमेंट अकाउंट, व्हाट मीन बाय द इन्वेस्टमेंट। चलो इन्वेस्टमेंट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ऑफ इट इज असेट, क्या रहेगा आपका असेट रहेगा। हाँ, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मीन द असेट ऑन विच वी कैन गेट रेगुलर इनकम, ऑन विच वी कैन गेट रेगुलर इनकम, जिसपे अपने को थोड़ा रेगुलर इनकम होता है वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अभी आप देखोगे बहुत से लोग फिक्स डिपॉजिट में जमा कर सकते, वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, तो इस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। बहुत से लोग है ना यहाँ पे फ्लैट वगैरह खरीदते हैं, शॉप वगैरह खरीदते हैं, उन पर उनको क्या मिलता है? रेंट मिलता है। क्या मिलता है उनको? एक मंथली रेंट मिलते रहता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अभी हम लोग जो खाना पीना खाते रहते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, उस पर अपना कुछ मिलता नहीं है, तो वो एक्सपेंडिचर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता। अपना गाड़ी मोटर अपन खरीदते वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता। हाँ, लेकिन गाड़ी मोटर आपने खरीदा स्पेशल ट्रांसपोर्ट के लिए, तो आपको उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलता है, तो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। आप अपनी पर्सनल बाइक ले रहे हो, पर्सनल गाड़ी ले रहे हो, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो है आपके लिए, जो आपको कमा के दे रहा है वो इन्वेस्टमेंट है। इसलिए कभी कभी मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, स्टूडेंट बोलते हैं जो फीस भरते हैं, मैं पापा को ये मत बोला करो एक्सपेंडिचर नहीं, इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आगे आप कमा के दोगे पिताजी को, ठीक है। तो आप भी एक तरह का पेरेंट्स जो आपके पीछे फीस का जो पैसा डालते हैं, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो ये सब आते हैं इन्वेस्टमेंट, बट हम लोग यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो अलग इन्वेस्टमेंट है। मैं बता दूँ यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट बात करते हैं, जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट है अपना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर, इसमें बात करें हम लोग, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर। आप फिक्स डिपॉजिट में डालोगे वो भी इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। आपने किसी कंपनी का जो शॉपिंग मॉल में आप खरीदते दुकान का, तो वहाँ पर रेंट मिलता है, वो भी इन्वेस्टमेंट है, वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। बट हम लोग यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेट फ्लैक्चुएट होता है, चेंज होते रहता है। कभी आपने देखा होगा एक शेयर 100 रुपये का, कभी शेयर का भाव बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, वो बातें, कभी डिबेंचर की बातें करते हैं, तो वो शेयर्स एंड डिबेंचर की इन्वेस्टमेंट की हम बातें करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं इन्वेस्टमेंट आपको बताऊँ ना, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर की बात है, इसलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, दिस इज इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हम शेयर्स और डिबेंचर की बातें करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स एंड डिबेंचर, में दोनों में क्या डिफरेंस है बता दो। डिबेंचर कैरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर का जो ब्याज होता है फिक्स रहता है, क्या रहता है, बट केस ऑफ शेयर्स, वहाँ पे आपको जो शेयर्स का जो केस है, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वी डोंट गेट इंटरेस्ट ऑन शेयर्स, वी गेट डिविडेंड ऑन शेयर। शेयर पे हमको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का हिस्सा। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, तो वहाँ पे आप शेयर होल्डर बनते हो, कंपनी के ओनर बनते हो। क्या बनते हो? वहाँ पे कंपनी के ओनर बनते हो आप लोग। लेकिन आपने अगर किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदा, तो आप ओनर नहीं बनोगे, आप वहाँ पे बनोगे क्रेडिटर। क्या बनोगे? कंपनी के लिए आप क्रेडिटर बनोगे, मतलब कंपनी आपसे लोन ले रहे। आपने सपोज मुझे रिलायंस कंपनी को पैसे की गरज है, तो रिलायंस कंपनी का पब्लिक में कुछ शेयर्स बांटती है, क्या बांटती है, तो वहाँ से पैसा आएगा। वैसे डिबेंचर बांटती है, तो डिबेंचर हम लोग खरीदते हैं उससे, तो रिलायंस कंपनी से हमने कागज खरीदा, डिबेंचर नाम का एक कागज डॉक्यूमेंट खरीद लिया, और उसको बदले में हमने क्या दे दिया? पैसा दे दिया। उस पैसे पे आपको ब्याज देगी, क्या देगी वो? कौन देगी? रिलायंस कंपनी हमने को ब्याज देगी। मतलब हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टर हैं, हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया, हमको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। हमने पैसा कहाँ पे लगाया? रिलायंस कंपनी में लगाया। किसके थ्रू? डिबेंचर के थ्रू। अगर मैं शेयर्स के थ्रू लगाऊंगा, तो मैं कंपनी का ओनर बनूंगा, शेयरहोल्डर बनूंगा, एंड शेयरहोल्डर आर द ओनर ऑफ अ कंपनी, तो जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा मिलेगा, डिविडेंड कहलाएगा मुझे। तो यहाँ पे मैं जो बात करूंगा, पहले हम बात करेंगे डिबेंचर्स की, किसकी बात करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे हम शेयर्स की। तो हम शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और डिबेंचर में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, दोनों में इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं। फर्स्ट वी विल गो टू सी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, किसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे? डिबेंचर्स में हम इन्वेस्टमेंट पहले करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात बताऊंगा आपको। एक मिनट, हाँ इतना लिख के हुआ आप लोगों ने, चलिए तो इसमें ऐड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर, वर्ड आप यूज कर सकते हो, फिर इसको मैं रफ करता हूँ। हाँ, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट किसमें करते हैं? डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो डिबेंचर में क्या होता है, कंपनी जैसे शेयर्स बांटेगी, डिबेंचर बांटेगी। सपोज मैं एक एग्जांपल बता दूँ, सपोज यहाँ पे एग्जांपल, ये फ्रेंड सपोज रिलायंस कंपनी है, झूठ मूठ का एग्जांपल चल रहा है, तो ये फ्रेंड रिलायंस कंपनी है, ये कंपनी ने डिसाइड किया कुछ शेयर्स बांटेगी, कुछ डिबेंचर वो बांटेगी। तो मैंने सुना है, चलो रिलायंस कंपनी डिबेंचर अच्छा फॉर्म है, आजकल कंपनी अच्छा खासा पैसा कमा रहे, टाटा कंपनी का भी शेयर भी अच्छा, रिलायंस भी अच्छा है, फॉर्म वाली कंपनी है, सब अच्छा खासा कमाती है। तो ये कंपनी ने पब्लिक में डिबेंचर बांटा, कुछ शेयर्स बांटा। मतलब यार शेयर्स तो थोड़ा मुझे रिस्की लगता है, क्योंकि शेयर्स पे कंपनी का मेंबर बनना पड़ेगा, ओनर बनना पड़ेगा, कंपनी डूब गई तो मेरी वाट लग सकती है।
बट डिबेंचर में फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, कंपनी प्रॉफिट कम कमाओ ज़्यादा कमाओ उससे लेन देन नहीं। अगर इस कंपनी ने बांटा मुझे, अगर कंपनी 10% डिबेंचर मुझे इशू करे तो मैं क्या करूँगा, आपके एसवाईपी को में जो टॉपिक था रिडम्पशन डिबेंचर उल्टा था, अभी यहाँ पे अलग है, वहाँ पे अपने आपको हम कंपनी समझते थे, अभी यहाँ पे अपने आपको हम क्या समझेंगे, इन्वेस्टर, क्या समझेंगे कि हम लोग डिबेंचर खरीद रहे हैं, वहाँ पे क्या होता था कंपनी डिबेंचर, हम अपने आपको कंपनी समझते थे, आज उल्टा चलेगा। तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टर, सपोज मैं यहाँ पे इन्वेस्टर हूँ, तो मैं ये जो कंपनी डिबेंचर बांटना चाहती इसके डिबेंचर मैं खरीदूंगा, मैं डिबेंचर खरीदना चाहता हूँ इस कंपनी के डिबेंचर में, हमें 10% डिबेंचर, सपोज 10% डिबेंचर का मतलब होता है कि ये कंपनी मुझे 10% ब्याज देगी, 10% इंटरेस्ट देगी, 12% डिबेंचर मतलब होता है 12% ब्याज देगी, 12% मुझे ब्याज देगी, 15% डिबेंचर का मतलब होता है 15% मुझे ब्याज देगी। कभी डिबेंचर आके नाम लिख के आता आपने देखा होगा बुक के अंदर कि 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, मीन्स दिस परसेंटेज इंडिकेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर, है कि नहीं, तो जो परसेंटेज से अपने को साबित होता है कि अपने को इतना ब्याज मिलने वाला है डिबेंचर पे। हाँ, मैं उसको डिबेंचर नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट, क्या होगा, क्योंकि मेरे लिए इन्वेस्टमेंट, मेरे लिए असेट, मैं असेट साइड में लिखूंगा, बट कंपनी उसको लायबिलिटी साइड लिख रही है। आपने देखा होगा जब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल डिबेंचर आपने देखा था तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में डिबेंचर और शेयर कैपिटल लिखा रहता है, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी, क्यों, क्योंकि कंपनी पब्लिक में कागज बांटेगी और लोगों से पैसा लेगी, तो एक तरह की लोन ले रही ना वो। आज मैं रिलायंस कंपनी कागज डॉक्यूमेंट बांट रही है, ये कंपनी मुझे लिख के देगी, लिख के देगी बोलो, ये कंपनी मुझे लिख के देगी, आई हैव टेकन लोन फ्रॉम यू, यू आर अ ट्रेडर ऑफ अ कंपनी, यू आर डिबेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी, योर इंटरेस्ट रेट विल बी 10%, आई विल पे योर इंटरेस्ट एवरी ईयर, ऐसा सब लिख के देगी, 6 मंथ वगैरह सब लिख के दूंगा, आई विल रीपे योर अमाउंट आफ्टर 5 ईयर, सब 5 साल बाद पैसा वैसा चुका, सब मुझे लिख के देगी कंपनी, लिख के देगी मुझे। तो यहाँ पे मैं कंपनी को पैसा दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, सपोज मैंने 1 लाख रुपए के डिबेंचर मैंने कंपनी के खरीदे, मतलब मैंने कंपनी को 1 लाख रुपए लोन दिया है, तो बैंक वाला क्या, कंपनी क्या सोचती है, बैंक वाले से लोन लेंगे तो इनसे लोन ले लेते, तो हमको यहाँ पे 8-10% ब्याज मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टर हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, अभी मैं उसको डिबेंचर नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट, क्या लूँगा उसको, और मैं मेरी बैलेंस शीट में किस साइड लिखूंगा, असेट साइड, मैं क्या लिखूंगा, बट कंपनी के लिए कर्जा कमी लाइब्रेरी साइड लिखेगी, बट मैं किस साइड लिखूंगा, असेट साइड, क्योंकि मेरे लिए वो असेट है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इज असेट, मैंने इसलिए बोला इन्वेस्टमेंट इज असेट ऑन विच वी कैन गेट रेगुलर इनकम, जिसमें अपने को रेगुलर इनकम अपने को मिलता रहेगा, इनकम में भी इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और मे बी इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, है कि नहीं, तो आपको जो इनकम मिलेगा चाहे ब्याज मिल सकता है, चाहे डिविडेंड मिल सकता है, बहुत से लोगों को घर लेते हो रेंट मिलता है, नाम अलग अलग बट इनकम मिलता है, ठीक है। चलो देखो, तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोरी सुनो, थोड़ा सा स्टोरी सुनो, अभी थोड़ा एकदम माहौल क्रिएट करना पड़ेगा ये टॉपिक समझने के लिए, थोड़ा लेवल अच्छा फाइनेंशियल का टॉपिक है। चलो, तो ये रिलायंस कंपनी थी, ठीक है, 100% ध्यान देना, आपका लेवल थोड़ा अच्छा है। तो ये रिलायंस कंपनी थी, इसने डिसाइड किया कि डिबेंचर बांटेगी, ठीक है। तो मैंने भी सुना, बहुत से लोग से सुना यार, हाँ रिलायंस कंपनी का डिबेंचर अच्छा, ब्याज अच्छा मिलता है और 10% ब्याज मिलेगा, अच्छा है, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करूंगा तो मैक्सिमम 7% मिलेगा साल भर का, और इसके पास मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे 10% मिलने वाला है, ऐसा मैंने सोचा। तो फिर मैं रिलायंस कंपनी के पास गया, मतलब भाई डिबेंचर चाहिए मुझे, तो रिलायंस कंपनी मुझे बोलती है सर हमने तो डिबेंचर बांट दिया, हमारे पास नहीं है। मैं क्या बात बोलते हैं, बोलता हमने तो 3-4 दिन के लिए हमारा विंडो ओपन किया था, जैसे बोलते हैं जब पिक्चर के कोई अच्छी पिक्चर रिलीज होती है, जब अच्छी पिक्चर रिलीज होती है तो स्टार्टिंग 1-2 दिन में पहुंच जाती पूरी फुल, तो हम लोग क्या करते हैं पिक्चर देखने का, पिक्चर के खिड़की में विंडो में जाएंगे, बोलेगा भाई बुक है, करंट का नहीं है, आगे का है, नहीं करंट में नहीं मिलेगा, ऐसा बोल देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सोचो क्या करते हैं हम लोग उस वक्त, आज पिक्चर देखने का मूड है अपना, और खिड़की की विंडो बंद हो चुकी है, बुकिंग फुल, हाउसफुल बता दिया उसने, तो हम लोग टिकट कहाँ से लेते थे, ब्लैक में लेते थे, तो ब्लैक में किसके पास लेते, वहाँ का जो ब्रोकर रहेगा उससे हम ब्लैक में लेते। तो दिमाग लगाने का, यहाँ पे डिबेंचर हमेशा अपन ब्लैक में लेने वाले, यहाँ पे डिबेंचर हमेशा ब्रोकर से ही मिलने वाला अपने को, जो मैं डिबेंचर खरीदना चाहूँगा मैं ऑलवेज ब्रोकर के थ्रू ही खरीदूंगा, क्योंकि कंपनी का जो IPO रहता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, वो स्टार्टिंग के 2-3 दिन के लिए रहता है, तो उनके जो पहले के ऑन रहते हैं ना उन लोगों को पहले मिल जाता है, और अपने जैसे लोग रहेंगे उनको ब्रोकर के थ्रू खरीदना पड़ता है, और ब्रोकर के थ्रू खरीदना अच्छी भी बात है, भले उनको थोड़ा 1-2% ब्रोकरेज देना पड़े, लेकिन वो सही बताते हैं कि कौन सी कंपनी किस और कैसी चल रही है, तो थोड़ा, तो मोस्टली यहाँ पे जो डीलिंग होता है शेयर्स और डिबेंचर में ब्रोकर की थोड़ी ज़्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है। डायरेक्ट अपन किसी में फंस गए, नई नई कंपनी फ्रॉड कंपनी है, मालूम का कंपनी का आता पता नहीं है, आपने देखा बहुत सारी मूवी नई नई कंपनी खुलती है, डबल पैसा बने, ट्रिपल बने, मालूम लुट गए, तो ठीक है। तो हम लोग कभी फ्लैट खरीदते तो भी थोड़ा ब्रोकर की थोड़ी जाते, भले थोड़ा लगता है, लेकिन वो सब जिम्मेदारी थोड़ा बहुत लेता है, हर चीज़ का जिम्मेदारी वो ले लेता है। तो अपने को यहाँ पे क्या करना मालूम है, या तो ब्रोकर को बोल रहे या फिर कोई दूसरा बेचने वाला रहेगा, तब अभी एक सवाल और पूछूंगा आपसे, सबसे बड़ा सवाल और पूछूंगा आपसे, अभी सपोज ये अल्टा मोल्टा बिल्डिंग है जो 60-70 माले का बिल्डिंग आपका बना हुआ है,
इसके अंदर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में 90-90 लाख में फ्लैट उसने बेचा, 80-80 लाख, 3-3, 4-4 करोड़ रुपया बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैं अभी मेरा इच्छा, सपोज मैंने अच्छा खासा कमा लिया, मैं सोचता हूँ कि मुझे फ्लैट अल्टा मोल्टे में चाहिए। एक सवाल पूछूंगा आपसे ध्यान रहे कि मुझे अल्टा मोल्टे में फ्लैट चाहिए, और मैं बिल्डर के पास गया, ओमकर बिल्डर के पास गया, इससे तो मेरे रिलेटिव्स में आता है वो, तो ओमकर बिल्डर के पास गया मैं, बोला सर मुझे फ्लैट चाहिए, तो बोलता दोस्त फ्लैट तो मेरे पूरे बिक चुके, मेरे पास तो नहीं, मैंने तो पूरे बेच दिए। तो अभी उसने तो पूरे बेच दिए, बिल्डर ने पूरे बेच दिए, अभी मुझे फ्लैट खरीदना, लेकिन मुझे फ्लैट खरीदना है, मेरी इच्छा है, भले 3 करोड़ मिले चाहे 4 करोड़ मिले, बट मुझे फ्लैट खरीदना है, तो मैं किसके पास से कर दूंगा बोलो। फ्लैट पूरे बिक चुके, बिक चुके पहले से, कोई ब्रोकर नहीं, पूरे बिक चुके, हाँ चलो सही जवाब बोला। सर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट किया रहता है जानबूझ के, खरीद के रखते सस्ते में और फिर उनको बेचना रहता है, उनसे पूछे ना, मतलब रीसेल में कर दो, किस में कर दो, रीसेल में कर दो, एक ही ऑप्शन, जो पूरा बिल्डिंग का फ्लैट ही बिक चुके हैं पहले से बुक है, तो अभी तो ब्रोकर भी नहीं काम आने वाला है, तो अभी तो आप किसी रीसेलर को पकड़ो जिसको बेचना है करके, तो मैं किसी को गया भाई तो बेच रहा है, बोल सर मैं बेच रहा हूँ, मतलब कितने बेच रहे, बोल सर एक जमाने में तो दोस्त सामने 90 लाख में बुक किया था, बट आज 2 करोड़ रुपया लूंगा, सामने से बोल रहा है, मतलब ठीक है भाई 2 करोड़ में चले गए, तो मतलब मैं यहाँ पे रीसेलर से खरीद रहा हूँ। तो आप यहाँ लगे इस टॉपिक में जो डिबेंचर हम खरीदने वाले हैं मोस्टली रीसेलर से कर देंगे, किसे कर देंगे, रीसेलर से, कभी कभी ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी तो ब्रोकरेज देंगे, लेकिन मोस्टली आपके जो सिलेबस में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसके अंदर ब्रोकरेज के प्रॉब्लम नहीं आते, इसलिए डायरेक्ट रीसेलर से, किससे खरीदोगे, कंपनी से कभी नहीं खरीदने वाला, मतलब कंपनी से कभी भी डिबेंचर नहीं खरीदने वाले, क्योंकि कंपनी 2-3 दिन ओपन करते हो चली जाती है, आधे बीच में अपने को 2 साल में कभी भी डिबेंचर खरीदना तो रीसेलर से खरीदो, जिसको बेचना बेच रहे हैं। चलो अभी स्टोरी यहाँ पे आते हैं, अभी स्टोरी मेन स्टोरी पे आते हैं। तो आपने इतना मैंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि आपको पता कि ये रिलायंस कंपनी है, और ये सपोज ये फ्रेंड मिस्टर रीसेलर है, ये फ्रेंड रीसेलर है, नाम बोलिए ना आपका, अक्षय, हाँ चलो, तो अक्षय फ्रेंड रीसेलर है, ठीक है, ये रिलायंस कंपनी है। तो मैं एक दिन अक्षय से जाके मिलूंगा, मैंने सुना है अक्षय के पास डिबेंचर है, तो मैं ओपन मार्केट में गया, कहाँ गया, ओपन मार्केट में तो शेयर बाजार में गया, अपना जो जहाँ बेल बंधा हुआ रहता आपने देखा होगा, अपना BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, वहाँ पे गया मैं, आजू बाजू बहुत सारे शेयर ब्रोकर की दलाल की दुकानें होती है, एजेंसी की दुकानें होती है वहाँ पे भी, तो मैं जाके किसी से पूछता भाई कि मेरे को यार डिबेंचर मांगता है रिलायंस कंपनी का, मैंने सुना अच्छा है, तो सामने वाला बोलता है ठीक है। तो यह बंदा मुझे मिला जिसको बेचना था, ये बेचने के लिए रेडी था, अक्षय नाम का जो बंदा था वो बेचने के लिए रेडी था, तो मैंने उसको पूछा भाई डिबेंचर बेच रहा क्या, बस हाँ बेच रहा हूँ, मतलब कितने में देगा, तो मुझे देखो इसका डायलॉग सुनना, ये बोलता सर देखो डिबेंचर तो 100 रुपये का है, फेस वैल्यू उसके चेहरे पे लिखा वैल्यू, डिबेंचर कितने का, 100 का है, 100 यहाँ पे क्या है, फेस वैल्यू मीन द वैल्यू विच इज प्रिंटेड ऑन द डिबेंचर फेस ऑफ द डिबेंचर, फेस वैल्यू मीन द वैल्यू विच इज प्रिंटेड ऑन द फेस ऑफ द डिबेंचर, जो डिबेंचर नाम का जो डॉक्यूमेंट है उसके चेहरे पे जो वैल्यू लिखा है 100 रुपये, उसको बोलते फेस वैल्यू, बोल सर देखो फेस वैल्यू तो 100 रुपये, मतलब तुम कितने दोगे बताओ, सर मैंने ना 102 में दूंगा, 102 में दूंगा, मैं ठीक है चलेगा 102 में देगा, फिर इसने एक डायलॉग बोला मुझे, ये मुझे बोलता है कि सर 100 रुपया तो फेस वैल्यू है, बोलता मैं 102 रुपये में दूंगा, 102 में दूंगा एक्स इंटरेस्ट, क्या बोलता है एक्स इंटरेस्ट, मैं 102 तो समझता हूँ, 102 तो अपने को समझ में आता है कि आज हम लोग पढ़े लिखे होते हैं 102 तो समझता अपने को, बट ये जो वर्डिंग है एक्स इंटरेस्ट, ये नहीं समझा मेरे, ये मेरे को सबको समझा नहीं, तो मैं फ्रेंड से पूछता हूँ अक्षय से कि अक्षय फ्रेंड यार 102 बोला वो तो समझा, बट ये एक्स इंटरेस्ट होता वो मुझे नहीं समझा, ये चीज़ बता, तो मुझे अक्षय ने बताया, जो अक्षय जो बेचने वाला मुझे बताया, बोला देख तेरे से यार मैं डिबेंचर है, तेरे को 102 रुपये देने, पर थोड़ा नॉलेज तो देखे यार मेरे को, मैं नया नया खिलाड़ी हूँ इस मार्केट में, बोलता ठीक है दोस्त मैं आपको नॉलेज देता हूँ, मैंने देख, तो पहले तो उसने मुझे पूछा एक सवाल पूछा, बोलता दोस्त आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, तो मैंने बोला उसको पहले मुझे तो लोगों ने बताया रिलायंस कंपनी में ब्याज अच्छा मिल रहा है, 10% ब्याज मिल रहा है, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बोलता सर ये ब्याज की हम बात करेंगे, एक्स इंटरेस्ट से ब्याज होता है, ब्याज पाना चाहता हूँ इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो ये एक्स इंटरेस्ट 102 रुपये, बोला ले अभी भी नहीं समझे क्या बोलते हो, तो बोलता देखो दोस्त ऐसा है, और मैंने बोला ये कंपनी को मैंने पूछा, मैंने इससे भी पूछा कि भाई मुझे फायदा क्या इन्वेस्टमेंट करके, तो इसने मुझे बोला सर ब्याज तो आपको मिलेगा वो तो फायदा ही है, तभी तो आप लोग इन्वेस्टमेंट में, हाँ ये बात सही है, तो फिर मैंने इससे ये पूछा कि भाई ब्याज कंपनी कब कब देती है, तो ये फ्रेंड ने मुझे बताया कंपनी साल भर में दो बार ब्याज दे रही है, डिपेंड करता कंपनी पर, कोई 4 बार भी देती है 3-3 महीना करके, कोई 6-6 महीना, कोई साल भर भी, बट मोस्टली कंपनी यहाँ पे 6-6 महीने में 2 बार साल भर में 2 बार यहाँ पे ब्याज देती है कंपनी, मैं ठीक है, तो मैंने पूछा उसको ब्याज कब देगी कंपनी,
तो बोलता है, एक तो सर जून के एंड में, एक तो जून के एंड में ब्याज देगी, एक दिसंबर एंड में ब्याज देगी, दो बार, एक जून के एंड में, एक दिसंबर के एंड में, दो बार यहाँ पे कंपनी ब्याज देने वाली है। तो मतलब कंपनी को ब्याज देने के लिए क्या करना पड़ता है? बोलते सर देखो, ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट बेच रहा हूँ, ये जो डिवेंचर्स मैं आपको बेच रहा हूँ, कंपनी के विंडो में जाओ, और आजकल तो ऑनलाइन में भी आता है अपने आप, बट पुराने जमाने के हिसाब से तो मैं बता रहा आपको ज़्यादा अच्छा समझने के लिए, कि सर कंपनी के विंडो में जाओ, कंपनी के सामने प्रोड्यूस करो, कंपनी को दिखाओ कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, कंपनी आपको ब्याज दे देगी। मैं पक्का बता रहा, पक्का, ठीक है। देखो तो ब्याज का सिस्टम मुझे बताएगा, देखो ये डिवेंचर का नाम क्या, सपोज फेसिलिटी 100 है और डिवेंचर का नाम है यहाँ पे सपोज 10% डिवेंचर, सॉरी 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर सपोज यहाँ पे डिवेंचर का नाम है, तो 12% डिवेंचर मतलब अपने को कितना ब्याज मिलेगा, 12% ब्याज मिलेगा साल भर का, किसका साल भर का 12% ब्याज मिलने वाला है। देखो अभी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करते हैं, सपोज एक बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपको पहले तो एक स्केल बनाता हूँ, आपके लिए अच्छे समझाने के लिए ज़्यादा बेटर बनाता हूँ, इसको एक बर्फ करता हूँ थोड़ी सी देर के लिए, और ये दुनियादारी भी एक बर्फ करता हूँ, सब आपको एक बेटर तरीके से बताता हूँ। तो टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कोई बात नहीं, फर्स्ट डे का पूरा खेल है, बाद में इजी हो जाएगा। चलो ये एक बार स्केल बनाता हूँ आपके लिए, इंटरेस्ट का स्केल बनाता हूँ आपके लिए, ये हो गया चलो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। आज पहले एक बार इतना काम करेंगे, पहले बेस मजबूत करेंगे। तो मैंने उससे पूछा भाई ये पूरा साल भर का है, कंपनी ब्याज कब कब देती है? तो उसने बोला जून में। कब देती है? जून में, एक देगी ये जून में, किधर गया जून, अप्रैल, मई, जून, एक तो इधर देती है, एक यहाँ पे इंटरेस्ट देगी कंपनी, और कब देगी कंपनी, एक दिसंबर में इंटरेस्ट देगी, और हम लोग का जो फाइनेंशियल ईयर है मार्च एंडिंग, कौन सा एंडिंग, हम लोग मार्च एंडिंग अपना फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, ये अपना फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, बराबर समझिएगा ना आपको अप्रैल से, कि जनवरी से दिसंबर बताऊँ कि ज़्यादा समझेगा, ये अप्रैल वाला भी समझता आप लोग, क्योंकि अभी तो डी वाई बी कॉम में पहुँच गए तो सीधी बात है, अप्रैल समाज भी समझता आप लोग, ठीक है। चलो तो मैं बता दूँ, मैं वो फ्रेंड के पास है ना, वो जिस फ्रेंड के पास मैं गया, मैं उस फ्रेंड के पास गया फर्स्ट मई को, कब गया मैं, फर्स्ट मई को, नहीं तो चलो आज अप्रैल में जाता, ताज़ा ताज़ा पहले दिन जाता हूँ, मेरा जो परचेज का डेट है फर्स्ट अप्रैल को मैंने परचेज किया, फर्स्ट अप्रैल 2000, चलो कोई भी एक साल दे दीजिए यहाँ पे 2020, ठीक है, तो फर्स्ट अप्रैल 2020 को मैं गया सामने वाले के पास खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए गया, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रैल 2020 को मैं परचेज करने गया, उसको मैंने पूछा तो मैं डिबेंचर बेच रहा है सर, मतलब बेच रहा है, ठीक है, तो मैंने उसको पूछा क्या वो बचेगा, बोलते सर देखो 100 रुपये का फैसले कितने हैं, 100 है फैसले, उसने मुझे बताया 100, कितना बताया 100, बट उसने बोला कि 102 में आएगा, 102 एक्स इंटरेस्ट, ऐसा उसने मुझे डायलॉग बोला, ये डायलॉग बोला। तो उसको मैंने पूछा, बोला तू समझा तो उसे ब्याज किस तरह से मिलता है, तो उसने मुझे समझाया, देखो कंपनी 6-6 महीने ब्याज देती है, उसने एक एग्जांपल दिया मुझे, सर देखो ये 100 रुपये का डिबेंचर है, और कंपनी हमेशा इंटरेस्ट किस पे देगी, फेस वैल्यू पे, किस पे देगी, कंपनी प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑलवेज ऑन अ फेस वैल्यू, कौन से वैल्यू पे देगी, फेस वैल्यू पे ही वो इंटरेस्ट देने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू वो 100 है, एक सपोज 100 रुपये का शेयर, उसने बताया मुझे सर इस पे 12% ब्याज मिलता है, तो ऐसा 12% बराबर, मतलब कितने महीने, वो 6-6 महीने की देती कंपनी, तो 6-6 महीने के लिए 6/12, तो देखो कितना ब्याज आता है, आप कैलकुलेशन करो, कैल्सियम में दिमाग साथ में लो, प्राइमर इसको, कितना 6 रुपया, सेम टू सेम स्टाइल करो, 100 मल्टीप्लाई 12% दबाओ मल्टीप्लाई 6/12 करो, 86 कहाँ से आएगा भाई, 100 रुपये का तो, अरे हीरो अपने कैसे नहीं लाया गया, वो क्या गया, 6 रुपये सही जवाब आएगा, जो आप कैंसिल में पूरा सेम करो 100, ये मल्टीप्लाई का नेशन 12 बाद में परसेंटेज का नेशन, फिर मल्टीप्लाई 6/12, तो 6 रुपीज़ आएगा,
कि अपने खुद को पता 100 रुपये पे साल भर का 12% मतलब 12 रुपये साल भर का हो तो 6 महीने का उसका आधा 6 रुपये, तो 6 रुपये जिसको ब्याज मिलता है, उसने एक एग्जाम्पल बताया, बताइए तो सर एक डिबेंचर की बात है, अगर आप 200-300 डिबेंचर खरीदते हो तो अमाउंट थोड़ा अच्छा मिलेगा, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसने एक, ठीक है नहीं, चलो तो ठीक है, मैंने डिसाइड किया मुझे मैं ब्याज तो अच्छा मिल रहा है भाई, तो मैंने डिसाइड किया मैंने एक काम करते हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 अप्रैल को जाऊँगा 2020 को सामने वाले के पास गया, मैं एक डिबेंचर का फेस वैल्यू होता है 102 के भाव, तो मैंने डिसाइड किया मैं कितना खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पे फेस वैल्यू 100 था तो परचेज 200 डिबेंचर, तो मैंने कितने डिबेंचर खरीद लिए सपोज 200 डिबेंचर मैंने खरीद लिए, परचेज किया अप्रैल 2020 को, फेस वैल्यू का 100 रुपया था, 102 के भाव खरीदा मैंने, लेकिन कितना डिबेंचर मैंने परचेज किया, 200 डिबेंचर मैंने परचेज किया, उसमें मुझे कैसे निकालना है वो निकाल दो, इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा, चलो 200 डिबेंचर पहले उसके पास थे, मेरे खरीदने के पहले तो उसके पास रहेंगे ना, उसको कैसे ब्याज मिलता है मैं बता दूँ, तो वो हमेशा उसके पास 200 डिबेंचर उसके पास थे जिसके पास से मैंने खरीदा, एक का फेस वैल्यू कितना 100 है कि फेस वैल्यू पे ब्याज मिलता है, और कितना परसेंटेज 12%, कितने महीने का 6 महीने का, तो 200 डिबेंचर मैंने खरीदा, एक का 100 रुपया 12% 6 महीने का, कैलकुलेशन करो ब्याज हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, तो इंटरेस्ट आपका आ गया 1200, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 200 डिबेंचर था, एक के चेहरे पे 100 लिखा, मतलब डिबेंचर का फेस वैल्यू टोटल मिला के कितना हो गया 2000 हो गया ना, फेस वैल्यू कितना हो गया देखो 20000 हो गया, फेस वैल्यू 20000 हो गया ना, ऐसे भी कर सकते हो आप मेरे कि 200 डिबेंचर आपने खरीदा 100 रुपये का फेस वैल्यू लेता तो 20000 रुपये के फेस वैल्यू के अपने डिबेंचर खरीदे, फेस वैल्यू पे कितना इंटरेस्ट 12% इंटरेस्ट, कितने महीने का 6 महीने का, ऐसे भी करोगे तो भी आपका 1200 आ रहा है, देखो चेक करो एक बार, ठीक है हाँ, तो इस तरह से आपको पहली बात तो इंटरेस्ट निकालना है, अभी मेरी बात सुनो होता क्या, अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रफ करूँगा, ठीक है अभी उसने मुझे डायलॉग बोला एक सेंटर उसको देखते थोड़ा सा, उसको देखते हैं, चलो अभी एक से अब से एक सवाल पूछूंगा कि वो फ्रेंड को आज जिस इंसान से मैं खरीद रहा हूँ उसको ब्याज कब कब देती है कंपनी, 31 जून को, 31 दिसंबर को, इंटरेस्ट का डेट में लिख देता हूँ 31 दिसंबर को इंटरेस्ट, ठीक है, एक कंपनी कब देती है 30 जून बराबर इंटरेस्ट देगी मुझे, ये इंटरेस्ट का डेट है, क्लियर, ये स्केल मैंने बना दिया, और मैंने सपोज परचेज कब किया है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को सपोज मैंने खरीदा, ठीक है, अभी मेरे पास एक सवाल पूछूंगा आपसे, मेरे खरीदने के पहले ब्याज किसको मिलता था जिससे मैंने खरीदा, अक्षय फ्रेंड से मैंने खरीदा, अक्षय बोला अक्षय डिबेंचर बेच रहा, अक्षय बोलता मैं बेच रहा हूँ, तो ठीक है मैंने कब खरीदा 1 अप्रैल को खरीदा, तो मैंने 1 अप्रैल 2020 को खरीदा सर, 1 अप्रैल 2020 को मैंने खरीदा अक्षय से, तो मेरे खरीदने के पहले अक्षय को ब्याज कब मिला होगा, कि उसके पहले ब्याज तो अक्षय को मिलता था, वो डॉक्यूमेंट अभी मेरे पास आ जाएगा तो मुझे ब्याज मिलना चालू हो जाएगा, बट उसके पहले तो अक्षय को मिलता था ब्याज, तो अक्षय को मेरे खरीदने पहले ब्याज कब मिला, ये बताए, कोई एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, अप्रैल के पहले दिसंबर आता है कि जून आता है, अप्रैल के पहले एक एक से अप्रैल के पहले दिसंबर आता है कि जून आता है, दिसंबर, चलो फिर इसके लिए बोला क्योंकि बच्चे मेरे पास बहुत बार आते थे जून भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, बोलते हैं बोलने वाले आते भी मेरे पास, बट आपने सब सही जवाब दिया कि दिसंबर आया, तो इसके पहले दिसंबर आएगा, ठीक है, तो ये आएगा 31 दिसंबर, और ये साल होएगा 2019 डायरेक्ट, ठीक है, कि 2019 में गया ना दिसंबर, तो इसके पहले जो उसको ब्याज मिलता रहेगा तो 31 दिसंबर 2019 को इंटरेस्ट मिला होगा उसको, ठीक है, इसको इंटरेस्ट मिला होगा, तो
और ये फ्रेंड मुझे एक बोलता है, मुझे एक डायलॉग सुनना भी बोलता है मुझे, मैंने उसको पूछा भाई सब समझा मुझे, लेकिन तेरा एक्स एंट्रेस का डायलॉग अभी तक नहीं समझा, दुनियादारी बताया सब समझा लेकिन एक्स एंट्रेस क्या था बोले चलो अभी समझा दे, देखो ये मुझे समझा रहा है। बोलते सर देखो, ये फ्रेंड मुझे बोलता है सर देखो 31 दिसंबर को मुझे ब्याज मिला हुआ, 31 दिसंबर के बाद जनवरी में ये फ्रेंड के पास था, फरवरी में ये फ्रेंड के पास था, मार्च में ये फ्रेंड के पास था, 1 अप्रैल को मैंने खरीद लिया, जिसके बाद जून आएगा कंपनी के विंडो में मैं सर्टिफिकेट लेके मैं जाऊंगा, क्योंकि इसके हाथ में तब डिबेंचर नहीं रहेंगे, तब तक मुझे बेच चुका रहता है, और मैं ये कंपनी के विंडो में जाऊंगा, कंपनी मुझे ब्याज दो, और कंपनी उसमें मुझे 6 महीने का ब्याज देगी, कि कंपनी को लेन देन नहीं कौन क्या खरीद रहा है, कंपनी का फिक्स डेट है जून में आओ दिसंबर में आओ बस, और जो इंसान लेके आएगा उसको ब्याज देगी। तो ये फ्रेंड मुझे क्या बोलता है, देखो सर ये फ्रेंड को दिसंबर तक का ब्याज मिला हुआ है, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून में मैं जाऊंगा कंपनी के पास ब्याज ले रहा, कितना 6 महीने का ब्याज मिलेगा मेरे को। नहीं बोलता सर 6 महीने में 3 महीना मैंने डिबेंचर को पाला सर, 3 महीना उसके पास था, मैं बोला कौन सा 3 महीना तेरे पास था, तो ये बता रहा सर देखो दिसंबर तक उसको ब्याज मिला और दिसंबर बाद जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीना इसका राइट बनता है। तो मुझे बोलेगा सर लेने के लिए देखो आप 6 महीने आपको तो मिल ही जाएगा, नहीं सर आप मुझे अभी दे दो आज ही 1 अप्रैल को दे दो, मैं आपको कहाँ ढूंढते फिरूंगा बाद में, क्योंकि ये फ्रेंड में जो डिबेंचर भेज दूंगा फिर मैं कौन से गांव में ये कौन से गांव में इसको क्या पता, लेकिन इसको पता है कि सर ब्याज तो फिक्स मिलता है, क्योंकि इंटरेस्ट डिबेंचर आप डिबेंचर भेज दो इंटरेस्ट फिक्स रहता है, और कंपनी ब्याज देती है उसमें कंपनी को फायदा नुकसान से कोई रिश्ता नहीं रहता है, तो सर आप मुझे मेरा ब्याज आज ही दे दीजिए। तो मैं वापस पूछा कौन से 3 महीने का, तो कौन से 3 महीने का ब्याज इसको मिलना चाहिए आप बताइए, हाँ जनवरी फरवरी और मार्च, क्योंकि दिसंबर तक का ब्याज मिल गया, नहीं दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना इसके पास था, तो 3 महीने का ब्याज इसका फर्ज बनता है। मैं तो अप्रैल से स्टार्ट किया ना, तो मेरा तो अप्रैल मई जून 3 महीने का ब्याज बनता है, बट मुझे कंपनी देगी 6 महीने का, जो कंपनी ने उसको लास्ट टाइम जब डिबेंचर मैंने खरीदा ना उस पर थप्पा मार के जून का दिसंबर का थप्पा लगा हुआ है, क्योंकि कंपनी ने ब्याज कब दिया दिसंबर में, अभी उसी डिबेंचर पर कंपनी थप्पा का मारेगी जून में, तो हो जाएगा 6 महीने दिसंबर और जून का 6 महीना हो गया, तो 6 महीने का ब्याज मुझे देगी। तो ये मुझे बोलता है दोस्त मैं 102 रुपये में दे रहा हूँ आपको, लेकिन एक्स इंटरेस्ट मीन्स विदाउट इंटरेस्ट सर, ब्याज मुझे अलग से दो, 102 तो मैं डिबेंचर बेच रहा हूँ सिर्फ, 100 रुपये का डिबेंचर बेच रहे 102 तो वो तो दो, मतलब इस इंसान को मुझे पता कितना देना पड़ेगा। देखो एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग मतलब बिना, मतलब इंटरेस्ट आपको अलग से देना पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको अलग से देना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग मतलब ये जो अमाउंट 102 है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है सर, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अलग से आपको मुझे देना पड़ेगा, ये बात बोलता है एक्स इंटरेस्ट में, ठीक है। देखो कितना देना पड़ेगा उसको, एक तो कॉस्ट मतलब उसका खरीदी भाव, कॉस्ट मतलब खरीदी भाव, एक तो डिबेंचर मैंने उससे खरीदे कितने 200, कितने खरीदे मैंने 200 डिबेंचर खरीदे, चलो मैं पच्चीस तक क्वेश्चन दे देता हूँ, परचेज 12% 200 डिबेंचर 12% या परचेज 200 12% डिबेंचर ऑफ रिलायंस लिमिटेड ऑन 1st April 2020 एट द रेट रुपीज एक्सपेंस, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट आपका 15th June एंड 31st December, ठीक है, ये आपका इतना क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब इसका अपने में इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट, बराबर ब्याज कितना वो कैलकुलेशन करना आपको, सब सिस्टम मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज उससे कितने डिबेंचर कर दिए 200, तो उस इंसान को मुझे कितना देना, 200 तो डिबेंचर कर दे, एक के चेहरे पे कितना लिखा था 100 फेस वैल्यू, लेकिन मैंने कितने में 102 में, सामने वाले मैं 200 डिबेंचर कर रहा हूँ, वो मुझे 102 रुपये में दे रहे हैं, तो मुझे 102 रुपये के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा कि 100 रुपये के हिसाब से, 102 रुपये के सामने 102 में दे रहे हैं, तो ये 102 तो वो जाएगा मेरा, कैलकुलेशन करो, हाउ मच फ्रेंड 20,400 बराबर, और इंटरेस्ट भी जाएगा मेरा, अब इंटरेस्ट कैसे निकालोगे देखो मैं बता दूँ, पहले तो 200 डिबेंचर है एक का फेस वैल्यू 100 है, तो फेस वैल्यू कितना आएगा 200 × 100, ये फेस वैल्यू, ठीक है, तो मतलब डिबेंचर 20,000 रुपये के हो गए फेस वैल्यू के, बराबर
200 डिबेंचर 95 लिखा ना, क्योंकि फेस वैल्यू पे डिबेंचर इंटरेस्ट मिलता है हमेशा, तो 20,000 फेस वैल्यू उस पर कितना परसेंटेज, 12%, बराबर। और कितने महीने का ब्याज दूंगा मैं उसको, ये फ्रेंड को, ये फ्रेंड को 3 महीने का दूंगा, ये फ्रेंड को 3 महीने का, कौन सा 3 महीने का, जो इसके पास था दिसंबर तक का ब्याज उसको मिला, दिसंबर का, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने का ब्याज मैं उसको दूंगा, तो 3 महीने का कितना हो देखो, कैलकुलेशन करो, अरे 12% क्या होता है, मतलब डिबेंचर का नाम है 12%, उसका ब्याज का रेट है 10%, डिबेंचर मतलब 10% ब्याज मिलेगा, कितना है, सब लोग कैसे चलाओ, चलो तो टोटल अमाउंट पेड, कितना पेड किया मैंने, 21,000। तो ये जो आया है 102, तो ये आपका एक्स इंटरेस्ट और ये आपका इंटरेस्ट, दोनों को मिला के होगा ये कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट मतलब ब्याज के साथ, ठीक है, एक्स इंटरेस्ट मतलब दोस्त इसमें ब्याज नहीं है, ब्याज अलग से चाहिए सामने वाले को 600 रुपया, तो ब्याज के साथ मेरा कितना गया 21,000 रुपया, जिसको बोलते कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट मीन्स विद कम्बाइन इंटरेस्ट ब्याज के साथ, तो मेरे को ये खर्चा पड़ गया अच्छा खासा 21,000 रुपये का सौदा पड़ गया, बट ठीक है, लेकिन रियल में देखा जाए तो ये तो मैं ब्याज तो वसूल कर लूँगा कि मुझे कंपनी दे देगी, तो रियल में तो मेरा खर्चा सिर्फ 20,400 हुआ है, इसलिए उसको मैंने कॉस्ट कि मेरे को इतने में गिरा हो, और जो इंटरेस्ट मैंने उसको 600 दिया वो तो मैं कंपनी से ले लूँगा, अभी जाके 6 महीने का देगी ना कंपनी मुझे ब्याज, कंपनी मुझे कौन से महीने का देगी, दिसंबर तक का उसको मिला, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने का मुझे देगी, तो वो तो 3 महीने का, जब मैं इसका पहले से ले रहा हूँ तो वो तो देने पड़ेगा उसको, तो वो इतना इशू नहीं मेरे लिए, खाली 20,400 का मेरा यहाँ पे, तो आपने ऑब्जर्व किया कि मुझे कितने महीने का ब्याज देना पड़ा इसको, 3 महीने का, याद रहेगा, इसको कॉपी कर लेगा फटक से, और फिर मैं आगे और थोड़ी सी बातें करूँगा, ठीक है, चलो आवाज़ आ रहा होगा आपको, हाँ इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा, हाँ चलो अभी एक सवाल पूछता हूँ, हाँ अप्रैल तक का सेटलमेंट मैंने कर लिया, अभी मैंने अप्रैल में खरीद लिया तो अभी डिबेंचर किसका हुआ, मेरा हुआ, अभी मैं कंपनी के पास ब्याज किस तारीख को लेने जाऊँगा, 30 जून को जाऊँगा, 30 जून को जाऊँगा, कंपनी तो दो बार जानती है, जून और दिसंबर, तो मैं कंपनी के विंडो में जाऊंगा, कंपनी को बोलूंगा कंपनी मुझे ब्याज दो, कंपनी एक ही डायलॉग बोले दिखा कितने फेस वैल्यू का सर्टिफिकेट है, तो कंपनी इंटरेस्ट किस पे करेगी, फेस वैल्यू पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंपनी इंटरेस्ट कितना मिलता है, ये तो मैंने इंटरेस्ट दिया था उसको, अभी मुझे भी तो खुद को मिला, आज इन्वेस्टमेंट मैंने काहे के लिए किया, कुछ कमाने के लिए भाई, मुझे तो मिलना चाहिए, ठीक है, तो तू यहाँ पे इंटरेस्ट मेरे लिए कैलकुलेशन करता हूँ, हाँ इसको एक बार मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ बच्चों के लिए कि वो लोग कॉपी कर पाए करके, ये तो उसकी बात होगी, अभी अपने को इंटरेस्ट अर्न करना है, ठीक है, तो मुझे ब्याज कैसे मिलेगा, देखिए 30 जून को मैं कंपनी के विंडो जाऊँगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड है यहाँ पे, जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा खुद को मिलेगा, अब यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड की बात कर रहे हैं, अपने को खुद को ब्याज मिलेगा, अभी यहाँ पे कंपनी के विंडो में जाऊँगा, कंपनी मुझे ब्याज दो, कंपनी बोलेगी दिखा कितने फेस वैल्यू का सर्टिफिकेट तेरे पास है, तो कितने फेस वैल्यू का मतलब देखो, आज मेरे पास कितने डिबेंचर, 200, क्योंकि 200 खरीदा तो वही मेरे पास रहेगा, दूसरे के पास तो कुछ खरीदा नहीं मैंने, तो मेरे पास 200 डिबेंचर्स, ठीक है, एक के चेहरे पे कितना लिखा था 100, ये फेस वैल्यू, तो टोटल मिला कि एक डिबेंचर होता तो फेस वैल्यू 100, बट मैंने तो 200 खरीदे ना, तो 100 × 200 करो कितना आएगा 20,000, मीन्स योर टोटल आपका 20,000 फेस वैल्यू है, उस पर इंटरेस्ट रेट कितना अपना 12% है, कंपनी कितने महीने बाद ब्याज दे रही है मुझे, 6 महीने बाद, क्योंकि
उसी डिवेंचर पे थप्पा लग के ये फ्रेंड को ब्याज दी थी कंपनी ने, अक्षय को दी थी दिसंबर को ब्याज दी थी कंपनी ने। कब इंटरेस्ट दिया था? दिसंबर में दिया था। दिसंबर बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अब जाके मुझे ब्याज मिल रहा है। तो कितना महीना हो गया काउंट करो, 6 महीने हो गया। कितना महीना हो गया? दिसंबर बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून का एंड, 6 महीना। तो यहाँ पे कंपनी मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट देगी, देखो कितना होता है, कैलकुलेट करो। रुपीज तो 1200 दिमाग लगे, 600 महीने पर 6 महीने में कमा भी लिया, 1200 आ गया मेरे पास। तो बोला था ना कंपनी ब्याज दे देगी। हाँ अभी दिमाग लगा, अगर इन्वेस्टमेंट मेरे पास कंटिन्यू रहता है, मैं किसी को नहीं बेचता तो मेरे पास रहेगा, अगली बार मुझे कंपनी ब्याज कब देगी? दिसंबर में। वापस कंपनी की विंडो में जाऊंगा दिसंबर में, वापस मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। सेम फैसिलिटी पे इतना ही मेरे पास 200 डिबेंचर है, तो फैसिलिटी सेम मेरा रहेगा 20,000। तो 20,000 फेस वैल्यू पे 12% 6 महीने, तो वापस मेरा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? कितना पेंट? 1200। समझा इतना कॉन्सेप्ट? समझा। चलो तो अभी मैं यहाँ पे ना, ये तो चलो हो गया, एक प्रॉब्लम है ना आपके पास, टाइमिंग आधा घंटा है ना सबके पास, आधा घंटा कैपेसिटी, ठीक है। चलो तो मैं ना विद इन 10 मिनट्स में प्रॉब्लम लिखता हूँ, उसको विद इन 20 मिनट में मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलो इसके बैक में स्क्रीन ले लेते फटाक से, तो स्टूडेंट्स को बेटर रहेगा। यस मैडम, चलो प्रॉब्लम एक बार रीड कर देता हूँ आपको। मिस्टर राहुल परचेज 400, कितने 400 डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर उसने परचेज किया। मिस 12% डिवेंचर इंडिकेट 12% इंटरेस्ट ऑन डेट, 12% बैच मिलेगा उसके। ऑफ टाटा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2020 को परचेज किया एट दैट 105x इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ब्याज अलग से लेगा सामने वाला, 105 में करता। ही परचेज मोर 300 सेम डिवेंचर, फिर उसने और 300 डिवेंचर करता, उसको लगता है इन्वेस्टमेंट करना अच्छा लग, दिमाग चलने लग गया होगा उसका। ऑन 1 जून 2020 को उसने 102 में खरीदा, इस बार लगता है किसी अच्छा इंसान मिल गया उसको, 102 में उसने दे दिया, सस्ता दिया बट ठीक मिल गया एक्स इंटरेस्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद ही परचेज एडिशनल 500 सेम डिवेंचर, उसने और डिवेंचर करता 1 सितंबर 2020 को एट कम इंटरेस्ट, यहाँ पे नया चीज़ है कम इंटरेस्ट, ठीक है। कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन एवरी 30 जून 30 बाई डिसंबर, अच्छी तो ब्रेकिंग लिख दो फेस वैल्यू, वैसे अगर फेस वैल्यू नहीं भी दिया रहता तो एज्यूम दैट इज 100 है कि नहीं, डिबेंचर का हमेशा फेस वैल्यू 100 रहता, नहीं भी दिया तो 100 मानने का, एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपये रहता हमेशा। हाँ, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 2020 को भूल जाते बहुत बुरा साल है, इन द बुक्स फॉर है कि नहीं, इसलिए 21 कर दिया गया अभी। चलो इतनी बात है कि अभी इसको सॉल्यूशन करना, अपने को सोल्व करना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाता है, एक फिक्स फॉर्मेट आपको दूंगा, फॉर्मेट कॉपी करना, ठीक है। चलो हाँ, इतने में फॉर्मेट ड्रॉ करता हूँ, इतने में इसको टाइम पर, ठीक है। चलो यस फ्रेंड, हमने प्रॉब्लम को रीड किया, प्रॉब्लम में मुझे रीड करके ये बताओ कि सबसे पहले हमने डिबेंचर कब परचेस किया, अवर्स डेट ऑफ परचेस 1 अप्रैल 2020। चलो तो शुरुआत करते हैं 1 अप्रैल 2020 से, ठीक है। चलो सबसे हाँ मैं आपको बता दूँ, अभी इन्वेस्टमेंट आपका रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट का रूल लगता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज असेट है, क्या है असेट, और असेट जितने रहते सब रियल, मशीन फर्नीचर बिल्डिंग ये सब आपके रियल अकाउंट, इधर ने आपने देखा होगा रियल अकाउंट रूल, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो आपने कभी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो आपको डेबिट साइड लिखना है, ये डेबिट साइड आपका दूसरा, ठीक है। और कभी भी आपने इन्वेस्टमेंट बेचा तो आपको इस साइड लिखना है, ठीक है। तो दो बातें आपको होना नॉर्मल होना चाहिए कि खरीदा तो आपका डेबिट में आएगा, बेचा तो आपको क्रेडिट में जाएगा, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। चलो तो सबसे पहले हमने कितने डिबेंचर खरीदे बताइए, हम लोग राहुल, एज्यूम दैट वी आर राहुल, यहाँ को पूछा इन द बुक्स ऑफ राहुल कि आपको राहुल के बुक में इन्वेस्टमेंट बनाना है, देन एज्यूम दैट वी आर राहुल, हम लोग राहुल है, तो हमने किसी टाटा कंपनी के डिबेंचर हमने खरीदे, ठीक है। चलो हम लोग राहुल है, तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे पहले कितने डिबेंचर खरीदे हुए,
400 डिवेंचर हमने सबसे पहले खरीदे, प्रॉब्लम में मैंने दिया है तो खरीदा तो किस साइड, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। हाँ, खरीदने पे क्या जाता, पैसा जाता है कि रसगुल्ला पेड़ा जाता है, कुछ पैसा जाता, ठीक है चलो, तो सीधी बात पैसा जाता है, इसलिए यहाँ पे लिख देते टू कैश बैक, टू कैश बैक एंट्री आपका बनता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैक एंट्री, इस तरह से बनता है ना, आपने कभी लेजर देखा होगा, ऐसा इन्वेस्टमेंट आएगा आपके पास तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसलिए डेबिट और पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट, आप यहाँ पे कैश बैक ऐसे लिखते हो तो फिर अपना स्टाइल है कि इन्वेस्टमेंट के लेजर में बना था, इन्वेस्टमेंट के लेजर में जाके डेबिट साइड में, डेबिट साइड में जाके क्या लिखते हैं टू कैश बैक लिखते हैं इसलिए, ठीक है, इसलिए वो इधर साइड टू कैश बैक आता है। तो आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, आपको कैश बैक लिख देना खरीदते समय, ठीक है। आपने परचेज किया, डेट क्या, डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 2020, ठीक है, 2020 में कोरोना के ज़माने में खरीदे, ठीक है, कोई बात नहीं। कितने डिबेंचर हमने खरीदे पहले ये बताइए, 400 डिबेंचर खरीदे, हाँ तो 400 डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना आएगा, हमने 400 डिबेंचर खरीदे, एक के चेहरे पे 100 रुपये लिखा था फेस वैल्यू, तो आपका टोटल फेस वैल्यू कितना हो गया 40,000, ठीक है। अभी सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस इंसान से मैं खरीदा वो मुझे ब्याज मांगता मेरे से, वो बोलता सर मेरा ब्याज, मेरा किस बात का ब्याज, तो बोलता सर समझा तो वापस वो समझाएगा, मुझे लास्ट टाइम बोला था सर किस बात का ब्याज, तो वो बता रहा था मेरे को किस बात का ब्याज, वो मुझे बोलता सर देखो जिस इंसान से मैंने खरीदा, कंपनी से तो मैं खरीदता नहीं, आपको बताया हमेशा जो बेचने वाला रहता है रीसेल उसी से खरीदना पड़ता है मुझे, तो ये रीसेल में कोई बेच रहा था उससे मैंने खरीदा 1 अप्रैल को, तो वो इंसान मुझे बोलता है सर देखो जो मुझसे ब्याज मांग रहा है, क्या मांग रहा है मुझसे, ब्याज मांगेगा, मेरा कितना ब्याज रहेगा, बोलता सर देखो मेरे खरीदने के पहले, मैं तो आज कल फिर अप्रैल में खरीदा हूँ, मेरे खरीदने के पहले उसको ब्याज कब मिला होगा, दिसंबर को मिला होगा, तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा लिखता हूँ यहाँ पे 31 दिसंबर 2019, बराबर यहाँ पे उसको इंटरेस्ट मिला होगा, उस टाइम पे कंपनी जून ब्याज देती है, जून और दिसंबर में कंपनी जून और दिसंबर में ब्याज देती है, तो उसको मेरे से खरीदने के पहले लास्ट टाइम ब्याज को मिला होगा, दिसंबर में ब्याज मिला होगा, तो वो फ्रेंड मुझे क्या बोलता है सर देखो दिसंबर तक का तो ब्याज उसको मिला हुआ है, दिसंबर बाद जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने उसने अपने पास पाल के रखा था, मैंने तो अप्रैल मई जून खरीदा तो मेरा तो 3 महीने का ब्याज बनता है, लेकिन कंपनी के विंडो में तो जून में मैं जाऊँगा, वो मुझे बोलेगा सर जून में आप जाओगे तो आपको कंपनी 6 महीने का ब्याज देगी, कि कंपनी चेहरा तो देखती नहीं, कंपनी तो सर्टिफिकेट देखती है, थप्पा मारा देखती है, इस सर्टिफिकेट पर थप्पा लगा हुआ दिसंबर का, क्योंकि लास्ट टाइम उसको दिसंबर में ब्याज मिला, दिसंबर के बाद कंपनी ब्याज कब देगी, डायरेक्ट जून में, तो 6 महीना हो जाए 6 महीने ब्याज मुझे दे देगी, तो ये मुझे बोलता है सर जो 6 महीने का आपको ब्याज मिलेगा उसमें 3 महीने का ब्याज मेरा है, मेरा कौन से 3 महीने का तेरा, तो उसने बताया सर देखो दिसंबर तक का उसको ब्याज मिला, दिसंबर बाद जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना उसने अपने पास पाल के रखा था, तो 3 महीने का ब्याज बोलता है सर मुझे अभी देके जाओ, मैं आपको कहाँ ढूंढते फिर मैं बाद में आप कहाँ रहोगे, तो मुझे मेरा 3 महीने का ब्याज दे दो, तो उस फ्रेंड को मुझे 3 महीने का ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है, कौन से 3 महीने देना पड़ेगा, दिसंबर बाद जनवरी फरवरी और मार्च, अप्रैल में तो चलो मैंने कहा था मेरा हक बनना चालू हो गया, ठीक है, तो मेरा राइट हो गया, चलो देखो कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट यहाँ पे, पहली बात तो फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू टोटल कितना हो गया 40,000 हो गया, तो जब इतना कैलकुलेशन कर लिया तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, 40,000 फेस वैल्यू आपका, उस पर 12% कितने महीने का, 3 महीने का, दिसंबर बाद जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने के बाद जिसको देना पड़ेगा, तो 3 / 12 कल से चलाओ, कितना आएगा देखो 1,000, ये इंटरेस्ट मुझे उसको देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ पे चाहिए एक्स इंटरेस्ट अमाउंट, कौन सा चाहिए, और अपने एक्स इंटरेस्ट ही दिया, देखो सामने लेने सामने तो एक्स इंटरेस्ट लिखा हुआ, देखो एक्स इंटरेस्ट मतलब कॉस्ट, मतलब मेरे को खरीदी कितने में गिरा, ब्याज तो अलग से दूंगा वो अलग बात है, बट मेरे को सिर्फ इन्वेस्टमेंट कितने में खरीदी करा वो देखने का, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट तो मैंने 100 का 100 में तो खरीदा नहीं था, शायद मेरे को 105 में दिया उसने, 105 में दिया, हाँ तो यहाँ पे मैंने 200 डिवेंचर खरीद लिए 105 के भाव, यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट अमाउंट ही अपने को चाहिए 400, चलो बताया गया कि यहाँ पे 400 डिवेंचर खरीदा गया, तो 400 × 105 कर दीजिए आप, मैं ढंग से थोड़ा अच्छा लिख दीजिए, 400 × 105 कितना है, 42,000, हाँ तो 42,000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदा, ठीक है, तो सामने वाले को 42,000 तो ये देना पड़ेगा, 1,200 रुपये उसको मैं अलग से ब्याज दूंगा, उसको इन्वेस्टमेंट इतने में खरीद गया, ब्याज तो उसका हक बनता है इसलिए उसको देना पड़ेगा, और तो अलग बात है, इतना समझा कॉन्सेप्ट, चलो आगे की बात करते हैं, ये हो गया अप्रैल तक की बात, अभी मैंने और कुछ खरीदारी किया, मैंने खरीदारी और कब किया बताओ, और परचेज कब किया मैंने, जून को, फर्स्ट जून को, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे लिख ही देता हूँ आपको, तो याद रहेगा कि परचेज किया मैंने फर्स्ट जून को, और सॉरी फर्स्ट जून को मैंने खरीदा ना,
तो फर्स्ट जून को मैंने परचेज भी किया और कंपनी मुझे ब्याज भी देगी, यहाँ पे इंटरेस्ट भी है, ठीक है, इंटरेस्ट भी मुझे मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलने वाला अपने को। फर्स्ट जून को मैंने परचेज भी किया और इंटरेस्ट भी यहाँ पे। और बोलिए, फर्स्ट सितंबर को क्या है, परचेज किया हमने, बराबर। फिर कंपनी ब्याज कब देगी, दिसंबर में, छह महीने बाद। देखिए, सितंबर में लिया तो दिसंबर में कैसे, सितंबर में तो परचेज कर रहा ना, फिर मैं खरीद रहा हूँ, खरीदने के बाद इंटरेस्ट तो छह महीने बाद मिल रहा है ना। हाँ, तो छह महीने बाद होगा, यहाँ पे तो कंपनी इंटरेस्ट देगी, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है सितंबर में आपने परचेज किया। देखिए, एक मिनट, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, सर इधर है, परचेज भी किया और यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड भी होगा, लेकिन खरीदा में फर्स्ट जून को और ब्याज मिलेगा 30 जून को, फर्क है। हाँ, और आपने यहाँ परचेज किया है सितंबर में, राइट? और फिर आपको दिसंबर में इंटरेस्ट भी दे दिया, तो 3 महीने तो हुआ। नहीं, वो अलग कॉन्सेप्ट, मैं बताऊंगा, सब आएगा समझ में, वो अलग चीज़ है, आप जो पूछ रहे हो अलग है, वो अलग है, आप सुनते जाओ, कल आएगा सब समझ में, जब मैं कराऊंगा तब आए, जब यहाँ पे पहुँचूंगा तो तब आपको यकीन हो जाएगा उस चीज़ का। और ये 31 मार्च को क्या करेंगे, क्लोजिंग, मतलब अपना एंड है, ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझा ना आपको। हाँ, बस तो आगे के अपन देखेंगे, सब समझेगा। तो जैसे दिसंबर तक का बात हो गया, 1 अप्रैल को हमने क्या किया था, परचेज किया था, ये बात हो चुकी थी अपनी। मई में कुछ किया नहीं, डायरेक्ट जून में आते हैं, तो जून में हमने सबसे पहले खरीदा, सबसे पहले 1 जून आएगा, उसके बाद 30 जून आएगा, 30 जून आएगा तब 30 जून देखेंगे, पहले 1 जून देखते हैं, ठीक है। तो 1 जून को मैं वापस ओपन मार्केट में जाऊँगा, इस बार दूसरा फ्रेंड मिला मुझे, वो फ्रेंड मिला, मतलब डिबेंचर बेच रहा है, वो सर बेच रहा हूँ, मतलब कितने बेच रहा है बताओ, कितने बेच रहा है, देखो अगला 1 जून को 102 में बेच रहा हूँ, मतलब ठीक है चलेगा। तो फ्रेंड से मैं खरीद रहा हूँ, खरीदा तो एंट्री किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, हाँ क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, टू कैश बैंक 1 जून 2020, क्लियर। हाँ, कितने डिबेंचर में उसके पास से खरीदा वो बताइए आप, 300 डिबेंचर में परचेज कर रहा हूँ, तो 300 इंटू एक का फेस वैल्यू है, तो यहाँ पे फेस वैल्यू चाहिए अपने को, मुझे वो नीचे का कुछ भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा, ऊपर का समझ, ठीक है चलो कोई बात नहीं, कल इतना समझिए, मैंने सबसे पहले कब खरीदा था, अप्रैल में, यहाँ तक समझा, मई में खरीदा नहीं खरीदा, जून में मैंने खरीदा है, तो लिख दिया खरीदा 1 जून को, फिर 30 जून को मुझे ब्याज भी मिलेगा, या फिर मैं इसके लिए नए तरीके से बनाऊंगा अलग, फिर अगली बार नेक्स्ट टाइम आपके लिए जो उसने बीच बीच में आते हैं ना अक्टूबर वगैरह, वो सब नहीं बनाऊंगा, बीच में जो ट्रांजेक्शन है वो डेट लिखूंगा आप लोगों के लिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों, ठीक है। खाली इतना याद रखिए आप, 1 जून को आपने खरीदा, बस इतना याद रखो ना, आगे का अपन धीरे धीरे याद आएगा ना, सब याद आ जाएगा आपको धीरे धीरे, ठीक है। चलो, तो मैं 1 जून को यहाँ पे परचेज कर रहा हूँ, कितने 300 डिबेंचर मैंने खरीदे, एक के चेहरे पे 100 लिखा, इतना समझा आपको, 300 कहाँ से है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 30,000, बस इतना ही समझना आपने, ठीक है। अभी जिस इंसान से मैं खरीदूंगा मुझसे ब्याज मांगेगा, वो मुझसे क्या मांगेगा, ब्याज मांगे, आपसे पूछा फ्रेंड, आप ही मुझे बताना इस बार आपसे नंबर लगाऊंगा, आपको समझा, मतलब टेंशन कम, देखो मैं अभी सामने वाले से कब खरीद रहा हूँ, 1 जून से, अब खरीदना डेट 1 जून है, चूंकि मैं 2 जून दो लिख दूंगा, आप दो लोगों का थोड़ा मसाला मिक्स हो जाएगा, रुको आपसे लिख ही देता हूँ, मैं लिखिए आपके लिए लिख देता हूँ, ये सब दुनियादारी, एक मिनट ये पूरी दुनियादारी एक बार में क्लियर करने के लिए थोड़ा रफ कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर के लिए, कि आपको बीच बीच में दूसरा डेट आपका दिमाग ना खराब करे। चलो, तो सबसे पहले तो अपना एक 31 दिसंबर 2019 था, ठीक है, वहाँ पे इंटरेस्ट की बात हुई थी जो लास्ट टाइम उसको मिला था, मुझे नहीं मिला था, उसको मिला था। और फिर सबसे पहले मैंने खरीदा था 1 अप्रैल 2020 को, परचेज किया, ठीक है, उसके बाद ट्रांजेक्शन क्या दिया बोलो आपके, फिर उसके बाद हमने 1 जून 2020 को क्या किया, परचेज किया, ठीक है, फिर अपना 30 जून 2020 को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, अपने को मिलेगा, क्योंकि हम कंपनी की विंडो में जाएंगे, जून आ जाएगा ना, तो कंपनी अपने को ब्याज देगी खुद को, क्लियर। फिर उसके बाद जून के बाद क्या फ्रेंड, सितंबर ना, कितना सितंबर को मैंने किया था, 1 सितंबर को मैंने वापस परचेज किया, ठीक है,
उसके बाद कंपनी मुझे ब्याज कब देगी? 31 दिसंबर को मुझे इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी के विंडो में जाके, ये विंडो में जाके। और फिर अपना 31 मार्च 2021 को अपना क्लोजिंग होएगा। ये आपके लिए मैंने नया स्किल बना दिया, तो ज़्यादा डेट आपका दिमाग नहीं खराब करेगा, ठीक है। चलो अभी डेट वाइज जाते हैं, इधर ध्यान देने का अपने को। तो मैंने 1 अप्रैल 2020 को मैंने क्या किया, परचेज कर लिया। क्या कर लिया? उसका एंट्री अपना हो गया था। फिर 1 जून को परचेज किया, उसका एंट्री अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अभी जिस इंसान से मैंने खरीदा वो मुझसे ब्याज मांगेगा, बोलता था ब्याज देखे, मतलब कौन सा ब्याज, तो मुझे समझाता है, बोलता देखिए दोस्त अभी इस बार वो आदमी है, तीसरा वाला आदमी, अलग अलग आदमी सपोज घूमते रहते, तो वो आदमी के पास गया मैं, मतलब फ्रेंड किस बात का ब्याज, तो मुझे बोलता सर देखो उसको ब्याज कब मिला रहेगा, बोला मेरे खरीदने पहले। सोचिए सोचिए, दिसंबर को ब्याज मिला, ये दिसंबर में देखो, पहले वो आदमी था, अभी वो आदमी, कंपनी तो सबको दिसंबर और जून कंपनी के विंडो में दो बार ब्याज मिलता है, एक दिसंबर में और जून में, बस। तो ये वो फ्रेंड को मैंने पूछा कि 31 दिसंबर 2019 तक का उसको ब्याज मिला, दिसंबर बाद जनवरी में उसके पास, फरवरी में उसके पास, मार्च में उसके पास, अप्रैल में उसके पास, मई के एंड तक उसके पास, 1 जून को मैंने कर दिया, बट 5 महीने उसने पाला अपने पास। वो मुझे बोलेगा सर मेरा 5 महीने का ब्याज नहीं मिला। कौन सा 5 महीने का? सोचो दिसंबर तक का ब्याज उसको मिला हो रहेगा, थप्पा मार के कंपनी ने दे दिया था उसको, दिसंबर के बाद जनवरी में उसके पास, फरवरी में उसके पास, मार्च में उसके पास, अप्रैल में उसके पास, मई के एंड तक उसके पास, सुबह 1 जून को मैंने कर दिया, 5 महीने उसने पाला, उस 5 महीने का उसको मुझे ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 5 महीने का ब्याज हमेशा फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू 30,000 यहाँ पे, 30,000 फेस वैल्यू पे 12% फॉर 5 मंथ्स, बराबर कैलकुलेट कर दो उसको, 1,000, ठीक है, यहाँ तक समझा। अभी मुझे यहाँ पे चाहिए एक्स इंटरेस्ट पे, और शायद उसने एक्स इंटरेस्ट भी दिया, देखो एक्स इंटरेस्ट पे दो क्या, चेक कर लो एक्स इंटरेस्ट। हाँ एक्स इंटरेस्ट कैसा आएगा, 300 डिबेंचर मैंने खरीदे, एक एक्स इंटरेस्ट कितना, 102, 102 है ना, चलो 102 है आपका, ये 102 लिख दिया, ऐसे चलाओ। हाउ मच फ्रेंड, ये आ गया अपना, यहाँ तक सबको क्लियर, ठीक है। हाँ अभी ये 1 जून तक अपना काम बन चुका है, अभी 30 जून, उस दिन का इंतजार जिस दिन मुझे ब्याज मिलेगा, उस दिन मुझे ब्याज मिलेगा। आज तो मैंने ब्याज दिया है, पहले इसको दिया मैंने, पहले उसको मैंने दिया, फिर बाद में उसको दिया, मुझे तो अभी मिला नहीं, लेकिन आज मैंने इन्वेस्टमेंट किस बात की, दिया ब्याज कमाने के लिए। तो आज मैं कंपनी की विंडो में जाऊँगा, ठीक है, तो मैं 30 जून को कंपनी की विंडो में जाकर प्रेजेंट हो जाऊँगा। कंपनी को एक डायलॉग बोलो, कंपनी मुझे ब्याज दो, कंपनी पे एक डायलॉग बोल, दिखा कितने फेस वैल्यू का सर्टिफिकेट तेरे पास है। सवाल पूछूंगा आपसे बहुत इजी, हार्ड नहीं, जितने फेस वैल्यू का मेरे पास रहेगा उतना दिखाऊंगा कि जितने फेस वैल्यू का नहीं रहेगा उतना दिखाऊंगा, जितना फेस वैल्यू का मेरे पास रहेगा उतना दिखाऊंगा। तो आज मेरे पास कितने फेस वैल्यू का सोचो, 40,000, जो पहले वाले इंसान से करता है उसी उम्मीद में करता कि मुझे ब्याज मिलेगा करके, तो उसने बोला सर जून में जाना ले लेना ब्याज, आपको 6 महीने का मिलेगा, तो आज इस पर मिलेगा। वो फ्रेंड ने भी ऐसे बोला था सर जून में आपको सर मिल जाएगा, आप मुझे मेरा 5 महीने का दे दीजिए, तो इस पर ही मिलेगा। तो आज मुझे ये दोनों पे मिलेगा, जितने फेस वैल्यू का उतने पे मुझे मिलेगा 6 महीने का, क्योंकि उसने भी वादा किया था सर 6 महीने का आपको जून में मिल जाएगा, तो 6 महीने का मिले उसमें 3 महीने उसका, तो उसको तो दे दिया पहले, तो पूरा 6 महीने मुझे मिलना चाहिए। इसने बोला था 6 महीने का मिलेगा, लेकिन 5 महीने उसने पाल के रखा था 5 महीने, तो 1 महीने तो मैंने पाला वो तो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल मिला के 6 महीने का दोनों मेरे को अभी मिलेगा, ठीक है, पहले इनको दे चुका मैं। हाँ अभी यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम एक एक्सपेंस है, इनकम। आप इंटरेस्ट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, 11 पास आप लोग के बारे में पहुँच गए। तो इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल का रूल है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जब हमारे लिए ब्याज नुकसान होता तो उसको डेबिट करते, देखो मैंने डेबिट साइड में लिखा था, जब ब्याज में दे रहा था सामने लोगों को, पहले उसको 1200 दिया, बाद में उसको 1500 दिया, तो ब्याज दे रहा था, मेरे लिए खर्चा तो डेबिट में किया। अभी मुझे मिलेगा तो मेरे लिए इनकम है, क्या वो तो क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट ऑल इनकम, तो ब्याज इस साइड मिलेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बाय कैश बैक, ब्याज मिलेगा मतलब क्या आएगा, पैसा आएगा, ठीक है, ब्याज तो दिखता नहीं कैसा लाल प्लेहरा बोला, अभी पैसा आएगा, तो मुझे ब्याज मिलेगा, कब मिलेगा, 30 जून 2020 को, ठीक है। और जितने फेस वैल्यू का रहेगा उसमें ब्याज मिलेगा मुझे। आज मेरे पास कितने फेस वैल्यू का है, 40,000 ये मेरे पास है, 30,000 ये मेरे पास है, 70,000 फेस वैल्यू पे मुझे ब्याज मिलेगा, तो 70,000 फेस वैल्यू पे कितना परसेंटेज, 12%, और कितने महीने का, 6 महीने का, क्यों अभी 6 महीने का मुझे मिलेगा, समझे, 6 महीने का मुझे क्या मिल रहा है,
क्योंकि ये फ्रेंड के पास दिसंबर में मिला था, कमी थप्पा भी मुझे मार के दे रही है, तो हो गया जून। उसको भी लास्ट टाइम दिसंबर मिला, तो कमी थप्पा मार के मुझे जून में दे दो, छः छः महीना दोनों को मिलेगा। कैलकुलेशन करो, पूछो किसे कुछ पूछना है तो। एक्चुअली ना अलग अलग फॉर्मेट बना हुआ है ना, पुलिस सब मतलब हर एक सबमिशन का अलग अलग ये सबसे मेन मुद्दा हमारा ये समझने के साथ साथ पेपर भी पूरा होना चाहिए। पेपर पूरा नहीं होता वही खेल खत्म है। मान लो कि 3 घंटे पेपर में एक क्वेश्चन सोल्व करके समझो, समझता है सर, धीरे से समझेगा। कोई भी चीज़ में टाइम लगता है, हम गाड़ी भी सीखते हैं फर्स्ट से, थोड़ा ऐसा लगता है भाई क्या मालूम कैसे गिर गिर जाएगा कुछ प्रॉब्लम, बट धीरे धीरे हो जाता है। हाँ तो ये 40 और ये 30। कंपनी को डायलॉग जाके बोला, कंपनी मुझे ब्याज दो, कंपनी बोलता दिखा कितने फेस वैल्यू का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है, तो जितना उतना दिखाया, 40 और 30 मैंने तो नहीं बेचा किसी को, 70,000 का मेरे पास ही। हाँ बहन आपका क्या कहना है? हाँ मैंने अप्रैल में परचेस किया, ठीक है, और जून में भी मैंने खरीद लिया, तो अप्रैल में खरीदा वो नहीं समझा कि जून वाला नहीं समझा। अरे बीच में कहाँ से आने का चांस है, तो क्योंकि आपको देखो फर्स्ट अप्रैल 2020 को आपने खरीदा था, तो खरीदा तो यहाँ पे लिखा ब्याज नहीं समझा कि वो एंट्री नहीं समझा, बताओ पहले कि डेबिट साइड पे ऐसा इंटरेस्ट नहीं समझे। मेन मुद्दा तो आपका इंटरेस्ट का है, और इंटरेस्ट नहीं समझता तो बता देता देखो, आपने फर्स्ट अप्रैल को खरीदा, मैंने बताया इन्वेस्टमेंट खरीदा, तो आपके पास आ रहा है, इसलिए मैंने डेबिट में लिखा था, 400 डिबेंचर लिखा था, 6 रुपये 100 लिखा था, 40,000 फेस वैल्यू हो गया। जिस इंसान से मैंने खरीदा, मैंने अप्रैल में खरीदा, उस इंसान को लास्ट टाइम मेरे खरीदने के पहले ब्याज का मिला होगा, दिसंबर तक उसको मिला हुआ, तो जनवरी में उसके पास, फरवरी में उसके पास, मार्च में उसने, अप्रैल में मैंने खरीदा ना, तो 3 महीने का ब्याज अपने मांगेगा नहीं मांगेगा मुझसे? बोलेगा सर मुझे मेरा देखिए, बाद में तो आपको 6 महीने का मिल जाएगा पूरा, तो बाद में तो मेरा 6 महीने का मिलेगा ना मुझे, बट उसका 3 महीने का हक को मुझे देके जाऊँ, तो 3 महीने का ब्याज तो देना पड़ेगा मेरे को। तो मैंने यहाँ पे 3 महीने का ब्याज लिया, 40,000 फेस वैल्यू पे 12%, 3 महीने का 1200, और यहाँ पे तो अपने एक्स इंटरेस्ट अमाउंट लिखना है, तो एक्स इंटरेस्ट अमाउंट 105 दिया आपकी प्रॉब्लम में, तो 400 डिबेंचर का 105 का 42,000, वो तो अपना अलग से खरीद भाव तो देना पड़ेगा ना उसको। फिर हमने कब खरीदा? 5 जून को वापस खरीदा, तो इस साइड लिखने का 2 कैश में मैंने कितना डिबेंचर खरीदे, 300, एक के चेहरे पे तो 100 लिखा ना, ये कॉलम में फेस वैल्यू है ना, यहाँ पे तो चेहरे पे 100 लिखा है, 30,000 आ गया। अभी जिस इंसान से मैंने खरीदा 1 जून को, उसको मेरे खरीदने पहले लास्ट टाइम ब्याज का मिला होगा, दिसंबर में मिला होगा ना यार, ये तो मुद्दे की बात है, ये तो ध्यान रखो। हर इंसान को कंपनी जून और दिसंबर में ब्याज देती है, तो जिस इंसान से मैंने खरीदा होगा उसको लास्ट टाइम ब्याज का मिला होगा दिसंबर में, तो दिसंबर के बाद जनवरी में किसके पास? उसी के पास। मैं तो 1 जून को खरीद रहा हूँ ना भाई, 31 दिसंबर 2019 तक का ब्याज उसको मिला हुआ, जनवरी में उसके पास, फरवरी में उसके पास, मार्च में उसके पास, अप्रैल में उसके पास, मई के एंड तक उसके पास, 1 जून का मैंने खरीदा ना, तो 5 महीने उसने पाल के रखा था ना अपने पास। तो मुझे बोलेगा सर आपको तो फटाक से 1 महीना आएगा, जून में आप तो कंपनी के पास जाओगे, कंपनी मुझे ब्याज दो, कंपनी 6 महीने का ब्याज आपको देगी, वो 6 महीने में जो 5 महीना उसका है ना, तो मुझे बोलेगा सर मुझे मेरा 5 महीने का ब्याज देके जाओ, तो मुझे तो उसको 5 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 30,000 फेस वैल्यू पे, हमेशा फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट 12% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 5 मंथ्स, 5 / 12, तो कितना आ गया यहाँ पे 1,000। कैलकुलेशन तो आपको कैसे चला मैं, और यहाँ पे मुझे एक्स इंटरेस्ट अमाउंट चाहिए, एक्स इंटरेस्ट अमाउंट 102 दिए थे, 102 दिया था आपको, मल्टीप्लाई किया 30,600 इतना हो गया आपने। अभी 30 जून की बात है, जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे भी थोड़ी सी ब्याज मिला है, मैं तो थोड़ा इसको बांटा है, थोड़ा उसको बांटा, ये दोनों ने बोला था सर जून में आपको 6 महीने का मिलेगा करके, दोनों ने डायलॉग बोला था। आज वो दिन आ गया 30 जून को, मैं कंपनी के विंडो में जाऊँ, कंपनी मुझे ब्याज दो, कंपनी बोलते दिखा कितना फेस वैल्यू का सर्टिफिकेट, तो पहले इससे खरीदा था, वो फेस वैल्यू 40,000 का था, बाद में उससे खरीदा 30,000 का, वो फेस वैल्यू पे था, तो 70 हो गया मेरे पास, तो 70,000 फेस वैल्यू कंपनी 12% ब्याज देगी मुझे 6 महीने का, और ब्याज मिला तो इस साइड जब चुका रहा तो मैं इस साइड था, डेबिट डॉलर लॉसेस था, इंटरेस्ट यहाँ पे अभी कट डॉलर इनकम एंड गेन चल रहा है,
ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर। हाँ, टॉपिक का लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि आप डायरेक्ट एक्चुअली क्या, मैं आपका भी इसमें इशू नहीं, क्योंकि आप बहुत दिनों के बाद आपका दिमाग पर जंग लग गया क्योंकि आपने कोरोना के पहले हाँ तो, और मैं डायरेक्ट टॉपिक चालू कर रहा हूँ आपको अच्छा लेवल का, जो मैंने अभी तो उनको भी नहीं चालू किया, बाकी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी चालू नहीं किया अभी तक, क्योंकि आप समझो उन लोग तो पढ़ के थोड़ा सा दिमाग घस गया, थोड़ा ये हो गया, और आप तो टोटली ऐसे आए हो तो थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को। देखिए आ गया ये, इतनी बातें कर ली, 30 जून को मुझे ब्याज मिलेगा, लिख दिया मैंने इंटरेस्ट रिसिप्ट, ठीक है। अभी 1 सितंबर वापस मार्केट में जाऊँगा, ओपन मार्केट में जाऊँगा, इस बार नए फ्रेंड को मिलता हूँ, इस बार ये वाले फ्रेंड्स में करूँगा, भाई डिवेंचर बेच रहा क्या, वो सर मैं बेच रहा हूँ, बोले कितने बेच रहे फ्रेंड देख, वो तो बेचेगा, अरे मैं खरीदा पड़े वो तो बेचेगा मैं खरीदने जा रहा हूँ वो बेचेगा। हाँ बट परचेज लिखा होगा मेरे बारे में, तो वो परचेज लिखा होगा, ये परचेज एडिशनल या मोर कुछ लिखा होगा, एडिशनल 500 डिबेंचर, मैं 500 डिबेंचर को खरीदा, मैं किसी कस्टमर के डिबेंचर बेच रहा हूँ तो मुझे इससे 500 डिबेंचर में खरीद रहा हूँ, सही कि नहीं, कितने में खरीद रहा हूँ देखो मैं, कम इंटरेस्ट, कितना रेट, क्या रेट, रेट नहीं लिखा, अमाउंट लिखे नहीं, लिख दीजिए एट द रेट 110, 110 लिख दो, कम इंटरेस्ट एट द रेट 110, 110 में खरीदा, ठीक है, मनमर्जी लिख दिया, भूल गया मैं, तो 110 रुपये में खरीदा, इस बार बोला कम इंटरेस्ट, बोले ये नहीं समझा रहा, अभी तो एक्स इंटरेस्ट का नखरा चल रहा था, कम इंटरेस्ट कहाँ से आ गया, सर बोलता ये भी समझेगा धीरे धीरे सब समझ जाएगा, भाई ठीक है कोई बात नहीं, तो यहाँ पे कम इंटरेस्ट में चलो पहले और कम इंटरेस्ट सेकंड बाद में देखते हैं, ठीक है, कम इंटरेस्ट मतलब ब्याज के साथ, मतलब 110 में सर ब्याज भी आ गया, क्या बोलता वो सर ब्याज भी आ गया, ब्याज अलग से मत ऐसा बोला, कम इंटरेस्ट मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, वो बात की बात है, चलो सबसे पहले बताओ मैं खरीद रहा हूँ कि बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ तो डेबिट साइड आएगा क्रेडिट साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, क्या लिख दूं बोलो, टू कैश में, डेट क्लियर, हाँ नंबर ऑफ डिवेंचर कितने परसेंट की होगी, फेस वैल्यू का 100, यहाँ तक कोई तकलीफ, हाँ अभी जिस इंसान से मैं खरीदूँ मुझसे ब्याज तो मांगेगा, उसका हक तो बनता ही ना, चलो अभी दिमाग लगा, अभी मैं अभी 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 मुद्दे की बात सुनना, अभी थोड़ा ध्यान देना, अभी थोड़ा अलग चल लेगा दिमाग, मैं 1 सितंबर को खरीदा हूँ, जिस इंसान से मैं खरीदा, अभी ये फ्रेंड के पास गया, मैं नया फ्रेंड के पास गया, मैं 1 सितंबर को पहुँचा, तो ये फ्रेंड बोलता सर मुझे ब्याज दो, क्या दो, मतलब तेरे को किस बात का ब्याज, बोलता सर देखो ये बताओ मैंने 1 सितंबर खरीदा, मेरे खरीदने के पहले उसको ब्याज कब मिला होगा, सोचो आज दिमाग लगाओ, जून में अभी दिसंबर भूल जाओ भाई, जैसे मैं कंपनी में विंडो में गया था इसके इसके डिवेंचर लेके, तो ऐसे वो भी तो गया होगा ना यार, क्या कंपनी के मैंने अकेले वो देती क्या लाइन में, तो जिसके जिसके पास डिवेंचर सब लोग गए होगा जून में कंपनी के पास, तो यहाँ पे जिस इंसान से मैं 1 सितंबर को खरीद रहा हूँ मेरे खरीदने पहले उस आदमी को ब्याज कब मिला होगा, 30 जून में, जैसे मुझे मिला तो उसको भी ले लिया रहेगा, मैं तो मेरा ले लिया, उसने भी अपना ले लिया रहेगा, कंपनी तो एक ही बार दे रहे ना फ्रेंड, एक बार तो मुझे दी ना, अभी तो नया आदमी के पास, मेरे पास से डिबेंचर आपने लिया, कंपनी के पास से मैंने नहीं लिया, मैंने तो किसी और के पास लिया, कंपनी ने तो डिबेंचर बांटा था, कंपनी ने तो सबको बांटा था, जिसको जिसको चाहिए था बांटा होगा कंपनी ने, 2 साल पहले 4 साल पहले 10 साल पहले, अपने को क्या लेन देन उससे, कंपनी ने जब पैसे गिरे तो बांटा होगा, जिसने जून में लिया था सितंबर में बेचा, कहाँ बेचा, तो रुको मैं आपको समझा, देखो ये 30 जून को मुझे मेरा बैच मिल गया, ये दोनों डिबेंचर मेरे पास है, इसका मुद्दे की बात हो गई, अभी मैं इस इंसान दूसरे के पास जा रहा हूँ, ठीक है, वो इंसान से मैं परचेज कर रहा हूँ, वो मुझे बोल रहा है मुझे ब्याज दो, तो किस बात का ब्याज, तो बोलता है सर अभी जिस अभी बताइए, वो फ्रेंड है आपके सामने बराबर, वो फ्रेंड से मैंने 1 सितंबर को खरीदा, तो मेरे खरीदने पहले उसको ब्याज कब मिला होगा, बस और ज़्यादा बात ही नहीं कर रहे ना, मेरे खरीदने पहले उसको जून में तो ब्याज मिला हुआ है, तो मुझे क्या बोलेगा सर देखो मैं खरीद रहा हूँ 1 सितंबर में से, उसको ब्याज कब तक का मिला हुआ, जून तक का मिला, जून के बाद जुलाई में उसके पास, अगस्त में उसके पास, 1 सितंबर है, तो वो मुझे बोलेगा सर मेरा 2 महीने का ब्याज दे दीजिए,
इसके पहले ब्याज दिसंबर में भी उसको मिला होगा, वो जाने, तब उसका मालिक वो था ना भाई, उसको तो पिछले साल भी मिला होगा, उसके दो साल पहले मिला होगा, मिलता रहेगा उसको, अपने को क्या लेन देन। अपन को तो यहाँ देखना है कि उसको मेरे खरीदने वाले लास्ट टाइम ब्याज कब मिला था, तो मेरे खरीदने वाले लास्ट टाइम ब्याज तो 30 जून को मिला हो ना, उसके बाद जुलाई में उसके पास मतलब कंपनी से ब्याज अभी तक का तो उसका पूरा क्लियर है ना, मिलता रहेगा उसको, तो जून तक का उसको ब्याज मिला हुआ है, जून तक का मिलने के बाद उसके जुलाई में उसके पास, अगस्त में उसके पास, फर्स्ट सितंबर को तो मैंने खरीद लिया, वो मुझे बोलेगा सर मैंने मेरा 2 महीना पहला मुझे मेरा 2 महीने का ब्याज देखे, फिर आप तो बोलता दिसंबर में मिल जाएगा ना मुझे तो ब्याज, वो सर्टिफिकेट भी जो उससे मैं खरीदूंगा उसको, कंपनी तो इसको ब्याज देगी ना 2 महीने का, कंपनी क्यों देगी, जो पर्सन ने लिया है सितंबर में उसको क्यों देगी, जिसका था पहले उसको 2 महीने का ब्याज देगी, बट कंपनी तो इंसान को थोड़ी देखती है, कंपनी तो सर्टिफिकेट देखती है, कंपनी बोलती है जो मेरे सामने डिबेंचर का लेके आएगा मैं उसको दूंगी, फिर वो कंपनी का तो चेहरा देखती नहीं, विंडो में कंपनी चेहरा देखती नहीं है, जैसे हम टिकट लेने आए थिएटर में अपना चेहरा को देखता नहीं, बस पैसा को टिकट दो वो वाला है, तो यहाँ पे 30 जून तक का उसको ब्याज मिला हुआ, जून के बाद जुलाई और अगस्त में उसके पास है, तो कंपनी तो बोलती मैं आधे बीच में ब्याज देती नहीं, कंपनी तो डायरेक्ट दिसंबर में ब्याज देने वाली है, तो क्या तब तक कोई इंतजार करेगा, वो मुझे बोलेगा सर मेरा 2 महीने का देखे चलो, तो ये फ्रेंड को मुझे 2 महीने का देना पड़ेगा, तो जून के बाद क्या जुलाई और अगस्त 2 महीने का ब्याज मैं उसको दूंगा, तो 50,000 फेस वैल्यू पे ट्वेल्व परसेंटेज फॉर 2 मंथ कितना आएगा 1,000, ठीक है 2 महीने का बैच मैंने उसको दे दिया, बाकी अब जाके दिसंबर में मुझे मेरा मिलता रहेगा, ठीक है अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे मुझे चाहिए एक्स इंटरेस्ट अमाउंट क्या चाहिए, और उसने देख रखा अपने को कम इंटरेस्ट, क्या देख रखा है कम इंटरेस्ट, ठीक है अभी मेरे पास सुनो निकलने का कैसे, एक्स इंटरेस्ट देखो ये कम इंटरेस्ट है ना, अगर इसमें से मैं लेस कर दूंगा इंटरेस्ट तो मुझे क्या मिल जाएगा एक्स इंटरेस्ट, ठीक है कम इंटरेस्ट मतलब ये वड़ा पाव है क्या, वड़ा पाव है, इसमें से अगर पाव निकाल दूंगा तो वड़ा बच जाएगा, ठीक है तो एक कम इंटरेस्ट मीन्स कंबाइन इंटरेस्ट क्या, वड़ा कम पाव है, वड़ा कम पाव मतलब वड़ा पाव है, तो ये पूरा फुल अमाउंट है, उसमें से अगर मैं ब्याज निकाल दूँ तो क्या मिलेगा एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट मीन्स विद कंबाइन इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है, तो जो कम इंटरेस्ट अपने को वैल्यू कितना दिया उसने 110 था, तो डिबेंचर कितने थे 500 डिबेंचर थे, 110 का कम इंटरेस्ट वैल्यू था, बराबर कैलकुलेशन 55,000 आता है देखो, ठीक है अब इसमें लेस कर दो इंटरेस्ट क्या कर दो, उसने बोला सर 55,000 दे दो ब्याज के साथ, नहीं मुझे भी देखना चाहिए बिना ब्याज के मेरे को कितने में गिरा, वो तो बोल दिया सर 55,000 दे दो, बट मुझे पता नहीं एक तरह से इंटरेस्ट ले लिया उसने, बहुत से लोग आपको ऐसे बोलते ना ईएमआई नो इंटरेस्ट ईएमआई बोलते हो, लिंक कभी जाके देखो ब्याज आ जाता है उसके अंदर ले लेते हो आप उसको, एक तो रोकड़ा देके मोबाइल खरीदो कुछ अलग ही भाव रहेगा, नाम के लिए बोलेंगे नो इंटरेस्ट 0% इंटरेस्ट बोलते हैं लेकिन वसूल लेते हैं उसके अंदर, तो यहाँ पे यही बात है बोलता कम इंटरेस्ट सर ब्याज के साथ आ गया, लेकिन मुझे पता है उसने ब्याज भी तो जोड़ा ही होगा ऐसा थोड़ी हो, तो कितना इंटरेस्ट एक तरह से 1,000 रुपये उसने इंटरेस्ट अपना वसूल कर लिया, तो मेरे को अगर बिना ब्याज के देखता तो कितना मिलता था 54,000, ये मेरा एक्स इंटरेस्ट वैल्यू बराबर 1,000 रुपये तो उसने अपना हल्का ले लिया 54,000 मेरे को यहाँ पे दिया, ये आपका एक्स इंटरेस्ट है, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 चलो मैंने आपको बता दिया ये वर्किंग नोट नंबर 1 चलो, ठीक है एक्स इंटरेस्ट, तो कभी भी आपको एक्स इंटरेस्ट निकालना हो तो कम इंटरेस्ट वैल्यू जो दिया वो लिख दो, इंटरेस्ट तो आप निकालते हो डेली वो लेस कर दो आ जाएगा आपका एक्स इंटरेस्ट, नहीं दिखाना जरूरी नहीं बट आप लोग के लिए मुझे तो लिखना पड़ेगा ना, आपको आज याद है एग्जाम होने में बहुत टाइम बाकी है, तो बीच में क्या इधर लिखा हुआ आपके पास रहेगा तो ज़्यादा एग्जाम में नहीं दिखाओगे चल जाएगा, चलो इतनी बात एग्जाम में तो खाली इतना वर्किंग नोट इनफ है, चलो इतनी बातें कर दी आपने, हाँ चलो ये सितंबर का खरीदारी हो गया अपना, निशा फ्रेंड बोलिए कहाँ से आया ये बताओगे, नहीं बता मैं बता देता हूँ 55 कहाँ से आया, हाँ तो आप लास्ट का ट्रांजेक्शन रेट कीजिए, वो पता है ये 500, हाँ मैंने तो सब लिखा हुआ है, कैलकुलेशन नीचे लिखता हूँ फिर मैं आप लोगों को 55 कहाँ से, ठीक है हाँ अभी आगे की बात करता हूँ ना, बाद में अच्छे तो कॉपी कर लो मैं आगे बात कर लो क्योंकि इसके आगे तो मुझे ज़्यादा करना नहीं है,
यस फ्रेंड, अभी 31 सितंबर का काम हो गया था मेरा, इधर 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 1 सितंबर का कर लिया मैंने पूरा काम। अभी 31 दिसंबर आएगा, क्या आएगा? और आप समझ प्यारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ सब, तुम 6 महीने के बाद जंग लग के आए हो, 6 महीने का ज़्यादा आपने तो ऐसे मैंने एग्जाम भी तो ऐसे ही किसी कॉलेज में दिया, किसी ने दिया, तो समझने का कि फरवरी जब से कोरोना हुआ तब से फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो आप भी तो 9 महीने के बाद आ रहे हैं, 9 महीने में जंग लग जाता है बच्चों को। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। 31 दिसंबर यहाँ पे एंट्रेंस की बात कर रहे हैं। अभी आज मैंने इतना सारा इन्वेस्टमेंट खरीद के रखा हूँ तो उसमें मुझे ब्याज तो मिलना चाहिए ना। अभी वापस मैं कंपनी के विंडो में जाऊँगा, डायलॉग बोलूँगा कंपनी मुझे ब्याज दो, कंपनी मुझे, कंपनी बोलेगी दिखा कितने फैसिलिटी का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है, तो वापस सेम डायलॉग पूछूंगा, जितना मेरे पास रहेगा उतना दिखाऊंगा कि जितना नहीं रहेगा उतना दिखाऊंगा, बराबर ना। हाँ, ब्याज किस साइड मिलेगा इस साइड, तो बाय कैश पे 31 दिसंबर 2020 क्लियर। हाँ, जितना रहेगा उतना दिखाऊंगा, कितने फैसिलिटी का डिबेंचर आज मेरे पास है, 40, 30, 50 कितना हो गया, 1,20,000 इतने फेस वैल्यू पे 12% कितने महीने का, 6 महीने का, क्यों 6 महीने का पता है, तो लास्ट टाइम कंपनी ने ब्याज कब थप्पा मारा था, जून में, आज कंपनी मुझे स्टम्प मार के कब दे रही है, दिसंबर में, 6 महीना हो गया, कैलकुलेट करो 7,200 क्लियर। हाँ, आगे जाए क्लोजिंग है, क्या है क्लोजिंग में थोड़ा लाइन में ड्रॉ करना पड़ता है। चलो, तो सबसे पहले एक आदत डाल दो कि क्लोजिंग करते समय सबसे पहले इंटरेस्ट का क्लोजिंग करो, किसके कौन से कॉलम का करोगे, इंटरेस्ट वाले कॉलम का, ठीक है, पहले ये कॉलम को क्लोजिंग करेंगे हम। लेकिन एक डायलॉग है सुनो, बच्चे बहुत बार भूल जाते हैं, या फिर एक काम करते आप लोगों, पहले फेस वैल्यू करो, आपको ज़्यादा अच्छा समझने के लिए पहले फेस वैल्यू लेते, फेस वैल्यू, ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छा समझने के लिए फेस वैल्यू लेता, नए बच्चे ना फर्स्ट वाले, ठीक है। चलो, फेस वैल्यू बताओ कि ये टोटल बड़ा है कि वो टोटल बड़ा है, डेबिट बड़ा है, क्रेडिट का टोटल तो 0 है फेस वैल्यू का, आई थिंक डेबिट ही बड़ा है, व्हाट इज द टोटल फ्रेंड, 1,20,000, नाउ बिगर सेट बोथ द सेट, बड़ा सेट दोनों सेट लिख दो, एंड डिडक्ट लेसर सेट फ्रॉम द बिगर सेट, बड़े में छोटा लेस को दे, 0 है ना फ्रेंड, 0 है, 0 है, तो 1,20,000 में से 0 गया तो कितना बचता है, 1,20,000 बचते हैं। और यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस करंट डाउन, दुनिया का कोई भी पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट का जो क्लोजिंग होता है ना उसमें लिखते हैं बाय बैलेंस करंट डाउन, जैसे मशीन वगैरह पे मशीन अकाउंट बैलेंस शीट पीडीएफ ऐसा करता है, ठीक है। साल के एंड में 31 मार्च 2021 चल रहा है, कोरोना गया, सॉरी मैं 2020 गया, ठीक है, तो 2021 यहाँ पे आ गया है, 1,20,000 हमने फेस लिया। अभी मेरी बात सुनो, थोड़ा टिपिकल कोर्स, ज्यादा हार्ड नहीं लीजिए, 1,20,000 के मेरे पास डिबेंचर आज है मार्च के एंड में, लेकिन मुझे पता है कि मेरा 3 महीने का ब्याज मेरा पक गया, कौन से 3 महीना, सुनो मुझे, मैं एक सवाल पूछता हूँ, आज मेरे पास कितने डिबेंचर है एंड में 1,20,000 के, ये 1,20,000 फेस वैल्यू में मुझे आज के पहले ब्याज कब मिला था, आज के पहले ब्याज कब मिला था, दिसंबर में, दिसंबर तक का मुझे ब्याज मिला हुआ, दिसंबर बाद जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना मेरा पक चुका है, आज कंपनी ने देखी तो किसी और को बेचूंगा तो भी मुझे मिलने वाला ब्याज, उसको मैं डायलॉग बोलूंगा, हेलो फ्रेंड मेरे को ब्याज देख के जब बाद में तेरे को मिलेगा तो मैं बेचूंगा, तो मुझे भी तो डायलॉग आएगा ना, अभी तो आप 3 महीना में मेरा ब्याज पक चुका कि नहीं पक चुका, 3 महीने का ब्याज पक चुका मतलब मेरे इनकम हो कि नहीं हो, भले बाद में मेरी बड़ी इनकम तो मिल गया, जैसे अपन भाड़ तेरे को रूम भाड़े पे दिए 3 महीना रह लिया तो 3 महीने का भाड़ा तो पक्का ना, बाद में देगा बट देगा तो सही ना। तो यहाँ पे 1,20,000 फेस वैल्यू पे दिसंबर तक का मुझे ब्याज मिला, आफ्टर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट मेरा आउट करने का, तो 3 महीने का मैं यहाँ पे लिखूंगा बैलेंस के सामने कितना मेरा ब्याज बाकी है कंपनी से लेना, ठीक है। हाँ, तो किस पे निकालो, इसी फेस वैल्यू पे फाइंड आउट करोगे आप, तो 1,20,000 फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट कितना, 12% कितने महीने का मिलेगा फ्रेंड, 3 महीने का, कौन सा 3 महीना, दिसंबर तक का मिला हुआ है, दिसंबर बाद जनवरी फरवरी और मार्च, कैलकुलेट करो 30,000, ये मेरी टोटल इनकम हुई इन्वेस्टमेंट करने के बाद, और ये मेरा टोटल खर्चा हुआ मेरा ब्याज देने के चक्कर में, है कि नहीं। तो जो टोटल मैंने कितना अर्न किया, देखो टोटल मार दो इंटरेस्ट को, टोटल मारो इंटरेस्ट को, कितना मैंने कमाया,
कितना मैंने अर्न किया देखो, हाँ 15,000। पंद्रह हजार मैंने इन्वेस्टमेंट में कमाया है, बड़ा साइड दोनों साइड, बट थोड़ा बहुत मैंने बीच बीच में गवाया भी था ना, कभी इससे खरीदा कभी इससे खरीदा कभी इसके चक्कर में, तो मेरे हाथ में नेट कितना आएगा वो देख लेंगे। बड़ा साइड दोनों से बड़े में से ये लेस कर दो, ये लेस कर दो, ये लेस कर दो, क्लियर। अब इस ये इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, दुनिया का कोई भी नॉमिनल अकाउंट साल के एंड में कहाँ ट्रांसफर था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आपने कभी 11 ट्वेल्थ में फाइनल अकाउंट बनाया, 11 ट्वेल्थ में आपने जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखा ना, वहाँ पे इंटरेस्ट सैलरी रेंट वेजेस वो सब सब नॉमिनल अकाउंट, कभी उसमें राम शाम नहीं देखा आपने कि प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड में राम को देखा शाम को देखा या बिल्डिंग मशीन देखा नहीं। जितने भी नॉमिनल अकाउंट है सब कहाँ पे ट्रांसफर थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट का जो बैलेंस अपना नॉमिनल अकाउंट है, साल के एंड में कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ईयर एंड आपका 31 मार्च 2021। तो नेट इनकम मेरा 11,300, 15 कमाया बट उसमें थोड़ा सा गवाया भी था मैंने, तो मेरे पास नेट बैलेंस मेरा इतना बचा। ठीक है, चलो अब इन्वेस्टमेंट का टोटल मारता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट क्रेडिट का बड़ा कि डेबिट का बड़ा चेक कीजिए, बराबर डेबिट बढ़ा था, बड़ा सर दो सर लेगा, बड़े में से छोटा लेस को देगा, जीरो है जीरो, तो बैलेंस कितना बचेगा, 1,26,000। खत्म हुआ, कलर इसको कॉपी और